शुरू करें जी। जी परम द्विदिवसीय आज की इस परिचर्चा में जी आप सभी का हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी सर, तो इस सभी का कॉलेज कोलैबोरेट सभी का अभिनंदन और स्वागत। आज का विषय ये बहुत सारी दृष्टियों से महत्वपूर्ण है। एक दृष्टिकोण तो ये है कि हम लोग अपने अपने विषयों को जिस रूप में पढ़ाते हैं उससे हमारी अपनी तरह की एक कंडीशनिंग बन जाती है, हमारा एक खास तरीके का सोचने का एक सीमा बन जाती है। तो उस सीमा को निरस्त करने के लिए, उस सीमा से को अधिक व्यापक और विस्तृत करने के लिए एक तो इस तरह के विषय को आज हमने लिया है ताकि हम लोग अपनी अपनी सीमा से बाहर आएं, अपनी कंडीशनिंग को खत्म कर सकें। अधिक व्यापक और अपने तर्कों को अधिक सूक्ष्म बना सकें इसलिए भी इस सारे विषय का महत्व हमें देखना होगा, समझना होगा। दृष्टि को हम देख सकते हैं उस सारे विषय पे वो अपने समय के हिसाब से हमारे साथ चर्चा करेंगे। लेकिन इससे पूर्व कि मैं आमंत्रित करूं डॉक्टर संजय कुमार गोयल जी को, जो कि प्रिंसिपल हैं, प्राचार्य हैं आरकेएसटी कॉलेज कैथल के, उससे भूमि के साथ। ये जो विषय है ये कोई पहला विषय नहीं है हमारी ओर से। इससे पूर्व लगभग चार विषय हम इस पे कवर कर चुके हैं जिसमें डॉक्टर डी के चतुर्वेदी जी के दो विषय रहे हैं। एक किया था आमने सामने और संस्कृत की समझ क्या है, और दोनों में संभावनाएं कहाँ हैं, जिसकी मैं चर्चा आगे चल के अभी आप लोगों के साथ करूंगा कि जहां से हम इस सारे विषय को समन्वित कर सकते हैं, सिंथेसाइज कर सकते हैं, एक दूसरे के साथ बातचीत कर सकते हैं, वो विषय वहां से शुरू होते हैं जो टॉप लेवल पर हैं, जिसकी चर्चा अभी मैं आप लोगों के साथ साथ शुरू करूंगा। लेकिन क्योंकि हमारे साथ संस्कृत के लोग भी हैं तो उनको थोड़ा और ही क्या ब्रीफ होगा कि जो फिजिक्स और फिजिस्ट हैं वो मैटर एंड इट्स मोशन थ्रू स्पेस एंड टाइम along with related concepts such as energy and forces. और उनकी भी समस्या एक है जिसको हमें ध्यान रखना चाहिए, the biggest problem in physics seems to be the origin and nature of the universe. में देख सकते हैं इस सारे विषय को कि physics में matter, energy और उसकी properties, relationship with energy और relationship with matter and its properties, ये सारी चीजें हैं जिसके आगे चलकर आप general physics, thermal फिजिक्स और वेव्स और क्वांटम फिजिक्स और रिलेटिविटी, ये सारे इश्यूज को आप लेते हैं, ये फिजिक्स की पोजीशन है। अब आप संस्कृत की ओर आ जाइए। संस्कृत में जब आप फिजिक्स की बात करने लगते हैं तो हम इस्तेमाल करते हैं मैटर के लिए, उसके दो तत्व पर भाषित करते हैं कि वो पदार्थ क्या होता है। पदार्थ अपने आप में कुछ नहीं है, वो गुणों का आश्रय स्थान है जिसमें गुण जो है वो आश्रय लेते हैं, क्वालिटीज रहती हैं और उसमें एक्शन रहता है, क्रिया रहती है। ये दो चीजें परिभाषित करती हैं हमारी ओर से
हमारे शास्त्रों की ओर से, शास्त्रीय विषय की ओर से। और जब हम उसको स्टडी करते हैं तो आप ये देखिए कि उसमें आपको हैं उनकी 24 क्वालिटीज, उसमें 5 तरह की एक्टिविटीज, कर्म जिसे आप कहते हैं, ये सारे शास्त्रीय टर्म्स हैं। मैंने इंग्लिश में सिर्फ इसलिए ट्रांसलेट किए हैं ताकि फिजिक्स वालों को समझ में आ पाए। जो कॉमनैलिटी या जनरलिटीज होती हैं वो तो दो तरह की है, पर्टिकुलैरिटीज जो है वो एक ही तरह की है, समवाय रिलेशनशिप जो है, पर्टिकुलर किस्म का जो रिलेशनशिप है वो 5 तरह का हमें दिखाई देता है। और फिर जो नॉन एग्जिस्टेंस जो है वो 4 तरह की है, नॉन एग्जिस्टेंस भी 4 तरह की है, जिनकी चर्चा मुझे लगता है डॉक्टर साहब अपने वक्तव्य में लेंगे धीरे धीरे। तो कुल मिलाकर के ये विषय है जिस विषय को हम अभी विस्तार पूर्वक लेंगे। अब ये जो आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये मैंने विषय आप लोगों के साथ साझा किया हुआ था। और ये इसलिए मुझे लिखना पड़ा क्योंकि जब कभी भी हमने फिजिक्स के लोगों से बातचीत की या साइंस के नाम कंडीशनिंग के तहत, उनको हमेशा ये लगता रहा है कि संस्कृत जो है कि संस्कृत शास्त्रीय, एक सेकेंड, माइंडसेट हैज फेल्ड इन ऑब्जर्वेशन, इट फॉलोड नो एक्सपेरिमेंटल अप्रोच, इट इज इम्प्रैक्टिकल एंड इट इज डोमिनेटेड बाय सुपरस्टिशन। विल फाइंड इट फाइंड आउट ऑल दीज चैलेंजेस कि उनकी जो ऑब्जर्वेशन है। लेकिन एक बात का जरूर आप ध्यान रखिए, क्योंकि जब आप और हम बात करने जा रहे हैं, आप और हमसे मतलब है संस्कृत और फिजिक्स के लोग, जब बात करने जा रहे हैं तो दोनों एक बात का ध्यान रखें, द डिफरेंस बिटवीन। ये फोकस इसलिए करवा रहा हूं मैं आप लोगों को क्योंकि अगर ये पृष्ठभूमि आपको नहीं होगी तो आप कहीं ना कहीं मिस कर जाएंगे और इस सारे का पर्पस जो है वो खत्म सफल नहीं हो पाएगा। द डिफरेंस बिटवीन द संस्कृत लैंग्वेज एंड अदर लैंग्वेजेस इंक्लूडिंग साइंटिफिक लैंग्वेजेस दैट एंड दैट इज इन मोस्ट ऑफ द मॉडर्न कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स देयर इज ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड द ऑब्जेक्ट्स दे रिप्रेजेंट। ये इंग्लिश की और यूरोपियन लैंग्वेजेस की एक लिमिटेड लैंग्वेज सिस्टम, देयर इज ए 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस बिटवीन द वर्ड्स एंड द प्रॉपर्टीज। ये बहुत खास ध्यान रखने वाली बात है क्योंकि अगर आप ये मिस कर गए तो जिसे आप साइंटिफिक टेम्परामेंट कहते हैं तो इसका मतलब आप साइंटिफिक टेम्परामेंट के व्यक्ति नहीं है। आप एक स्किल वाले व्यक्ति तो हो सकते हैं लेकिन साइंटिफिक टेम्परामेंट नहीं है। तो हम लोग कभी भी वस्तुओं को परिभाषित इस रूप में नहीं करते कि उसके लिए हमने एक शब्द दे दिया। यहाँ पे देख पा रहे हैं कि इंग्लिश में यू कॉल ट्री ट्री, है ना, हिंदी में भी ट्री को आप पेड़ कहते हैं लेकिन संस्कृत में ऐसा नहीं है। संस्कृत में व्हेन यू से वृक्ष इट मींस समथिंग दैट इज कट एंड फेल डाउन, और यू यूज द टर्म तरु समथिंग दैट फ्लोट्स। सो आप उसकी प्रॉपर्टी से उसको पहचानते हैं। तो क्या ये एक अनसाइंटिफिक काम है या साइंटिफिक है, ये आप लोगों ने स्वयं निर्णय करना है। मैं अभी बाकी चीजों में नहीं जा रहा क्योंकि बाकी बातें हम करेंगे, बात में करते हैं। अब आप देखें कि हम लोग जो हम सामान्य लोग हैं जिनको डिग्रियां मिली हुई हैं और कॉलेजेस में पढ़ा रहे हैं, हम लोगों की स्थिति क्या है कि हम एक दूसरे से तो मुझे लगता है कि हमारे लिए तो चर्चा करना तो बहुत आसान है। हम वाल्टर हिंसबर्ग को देखता हूं तो उसकी एक कमेंट आप देखिए, वी हैव टू रिमेंबर दैट व्हाट वी ऑब्जर्व इज नॉट नेचर हरसेल्फ बट नेचर एक्सपोज्ड टू अवर मेथड ऑफ क्वेश्चनिंग। हमारे क्वेश्चंस क्या है, हमारे सवाल किस तरह के हैं, कभी हम विचार तो करें और तभी तो बात होगी। We observe as material bodies and forces are nothing but shapes and variations in the structure of space. अब यहां से फिजिक्स, अगर आप यहां से फिजिक्स को नीचे की ओर लेकर आएंगे तब तो बात हो सकती है,
लेकिन अगर आप नीचे से ही बस उतनी ही कंडीशनिंग के साथ चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि छोड़ हम कैसे लोगों को ढूंढ रहे हैं, इंटेलिजेंट फिजिसिस्ट को। इसीलिए हमने डॉक्टर डी के चतुर्वेदी जी को, डॉक्टर रमेश वर्मा जी को, इन लोगों को हम आमंत्रित करते हैं। इसके अतिरिक्त और भी बहुत सारे ऐसे साइंटिस्ट हैं जिनके साथ हम लोग संपर्क में हैं। लेकिन एक बात आप जरूर देखिए कि जो मैक्स प्लैंक ने कही है उसकी ऑब्जर्वेशन, बाकी तो आप पढ़ लीजिए, स्क्रीन पे मिल जाएगा आपको। एज ए मैन हु हैज डिवोटेड हिज होल लाइफ टू द मोस्ट क्लियर हेडेड साइंस, to the study of matter, I can tell you as a result of my research about atoms this much, there is no matter as such. All matter originates and exists only by virtue of a force which brings the particles of an atom and holds this most minute solar system of atom together. ये उसकी ऑब्जर्वेशन है जो हार्डकोर साइंटिस्ट हैं, फिजिसिस्ट हैं। तो जब ऐसे लोगों को मैं पढ़ता हूं, ऐसे लोगों को मैं देखता हूं, करीब से देखता हूं, तो मुझे और तब मैं उन लोगों को मुझे लगता है कि वो मेरी बहुत सा कर पा रहे हैं सारे विषय। अब चलिए इस चीज को, अब संस्कृत आप लोगों के साथ सांझे किए थे, अब आपको मैं ये बताता हूं कि संस्कृत शास्त्रीय परंपरा में आप ये देखिए कि ज्ञान के चार लेवल्स होते हैं। पहला है संज्ञान, संज्ञान भी विज्ञान जान लेता है, जानते और पहचानते हैं तो उसको विशेष रूप से जानना शुरू करते हैं, यानी कि कई डायमेंशन से उसको जानने की कोशिश करते हैं। जब आप सेकेंड लेवल के बाद आप थर्ड लेवल पे आते हैं तो एक्चुअल में विज्ञान शुरू होता है, जिसे आप साइंस कह रहे हैं, यानी कि आप वस्तुओं को विशेष रूप से जानने की कोशिश करते हैं। और वो कैसे जानते हैं, उसके तीन आगे भेद होते हैं। किसी भी वस्तु को आप कैसे जानते हैं, उसके सजातीय भेद। सजातीय का मतलब है कि उसी की तरह के जो लोग हैं, भी वो हम वेदांत से एक्चुअल में शास्त्रीय साइंस शुरू होती है कि वो स्वगत भेद है, कि वो थिंग इन इटसेल्फ जिसे आप कहते हैं कि वो अपने आप में क्या है। क्या हम बता पाते हैं कि भी पेड़ अपने आप में क्या है, या अणु अपने आप में क्या है, इसे होता है। और इसे बहुत रेयर लोग होते हैं, बहुत कम लोग हैं जो उस स्तर पे जाते हैं विज्ञान से ऊपर उठ करके, और उनका जो दृष्टिकोण होता है बहुत होता है, उनमें बहुत कम लोग हैं। तो आपको अपने परंपरा में जिसको हमने बिल्कुल नकार दिया, जिसको हम कभी स्वीकार नहीं करना चाहते, एक्नॉलेज नहीं करना चाहते, उसमें आपको एवोल्यूशन ऑफ मैटर जो है वो इस तरह से मिलता है, जिसे पंचीकरण कहते हैं, यानी कि आकाश, वायु, अग्नि और आप और पृथ्वी। और इसमें से 50% वो अपना पक्ष रखते हैं और बाकी जो है वो 12.5% जो है वो बाकी तत्व मिलते हैं, पढ़ सकते हैं। मुझे उसको एक्सप्लेन करने की अभी जरूरत नहीं, क्योंकि समय मैं कम लेना चाहता हूं। तो ये एक स्ट्रक्चर है, लेकिन हम इसको कभी भी साइंसेस में इंक्लूड नहीं करेंगे 5-10 नंबर का, क्योंकि हमने सीखा ही ये, हमारी कंडीशन कोशिश ये कि जब आप जिसे पदार्थ या प्रकृति कह रहे हैं, जो परमाणु से लेकर ब्रह्मांड तक है, ये मैं अपने शब्द नहीं बता रहा हूँ, ये आपको शास्त्र के बता रहा हूँ, जिनको हमने 70-75 सालों में रिजेक्ट करके रखा और कभी भी उनको गंभीरता से लेने की कोशिश ही नहीं की। उसको जब आप साइंस शुरू करते हैं तो साइंस के बेसिस क्या हैं, जब आप परमाणु से ब्रह्मांड तक की बात करते हैं कि सबसे, और उस केवल एग्जिस्टेंस से ही बात नहीं बनती, उसका
अभिधेय तो यानी कि वो नेमेबल होना चाहिए, उसका कोई ना कोई संज्ञा होनी चाहिए। जब तक आप संज्ञा नहीं होगी, एग्जिस्टेंस नहीं हो गए, शास्त्रीय कंडीशन की बात करो, शास्त्रीय साइंस की, वो है उसकी नोएबिलिटी। लेकिन हम क्यों मानेंगे? क्योंकि हमारी कंडीशनिंग ऐसी है कि हमने मान रखा है, हम जानने की भी कोशिश नहीं करते कि वो भारत में भी कोई विचार विमर्श हो सकता है, विज्ञान की बात हो सकती है। तो कुल मिलाकर के ये मैंने आप लोगों के साथ एक पूर्व पीठिका के रूप में आप लोगों के साथ
बात साझी की। है कि ये इतनी बातों को हम जानते हैं और इसे आगे की तो इसरो के साइंटिस्ट रहे हैं और आप वो बात में हमारे साथ अपनी ऑब्जर्वेशन भी साझी करेंगे और मैं निश्चित रूप से उनसे बहुत प्रभावित हूँ। तो मैं आमंत्रित कर रहा हूँ डॉक्टर संजय गोयल जी को कि वो हमारे आज के मुख्य अतिथि और बाकी सब विद्वानों का जो है वो अपने कॉलेज की ओर से और बाकी सभी इंस्टीट्यूट्स की ओर से स्वागत करें। धन्यवाद डॉक्टर अंगिरस। सर अनम्यूट कर लीजिए डॉक्टर गोयल जी। हाँ मैंने अनम्यूट कर लिया है, आप सुन पा रहे हैं सभी? हाँ हम जी सुन जी पा रहे हैं। मेरी सर अनम्यूट कर लीजिए मैडम विनय डॉक्टर गोयल अनम्यूट नहीं हुए आपका जी। यस हो गए सर। नहीं अनम्यूट हम सब सुन रहे हैं उनको जी। आपको कोई कारण से नहीं सुनाई दे रहा और आपके ऑडियो में थोड़ी प्रॉब्लम है। जी 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 ओके सर ठीक है। आज की संगोष्ठी में सभी प्रबुद्ध साथियों का मेरा नमस्कार। परम आदरणीय डॉक्टर रमेश चंद्र वर्मा, पूर्व प्रोफेसर डिपार्टमेंट ऑफ फिजिक्स पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला, डॉक्टर आशुतोष अंगिरस, डायरेक्टर इंस्टीट्यूट ऑफ अप्लाइड संस्कृत चंडीगढ़, डॉक्टर पवन सेठी, डायरेक्टर तत्वमसी फाउंडेशन मुंबई, डॉक्टर सीडीएस कौशल, डायरेक्टर हरियाणा संस्कृत अकेडमी पंचकुला, डॉक्टर देवी प्रसाद, रिटायर्ड साइंटिस्ट इसरो, और डॉक्टर विनय सिंघल, हेड डिपार्टमेंट ऑफ संस्कृत आरकेएसडी कॉलेज कैथल। आप सभी विद्वानों को और विदुषियों को मेरा एक बार फिर नमस्कार और स्वागत है इस संगोष्ठी में जो कि आरकेएसडी कॉलेज इंस्टीट्यूट ऑफ एम्प्लाइड संस्कृत चंडीगढ़ के साथ संयुक्त तत्वाधान में आज आयोजित कर रहा है और मैं इसको अपना सौभाग्य मान रहा हूं कि डॉक्टर रमेश वर्मा जो कि एक हस्ताक्षर है हमारी फिजिक्स की दुनिया में और मैं अभी याद भी कर रहा था लगभग 20 वर्ष पहले कुरुक्षेत्रा विश्वविद्यालय में मेरा उनसे कुछ मीटिंग्स में मिलना भी हुआ जब वो बोर्ड ऑफ स्टडीज के सदस्य थे। डॉक्टर वर्मा जो एक सीरीज चल रही है और जैसे डॉक्टर अंगिरस ने अभी अपने उद्बोधन में कहा भी है कि जो आज का भौतिक विज्ञान का ज्ञान है उसको कहीं ना कहीं संस्कृत के साथ जोड़ते हुए जो हमारे आज के वैज्ञानिक है कुछ संदेह उनके मन में रहता है और शायद वो इसलिए है कि एक बहुत लंबा गैप भाषा का और विज्ञान का ये रहा होगा क्योंकि मानव स्वभाव से ही जिज्ञासु रहा है और हमेशा प्रकृति और प्राकृतिक आचरण प्रचलन और परंपरा में उसकी जिज्ञासा रही और उसको ऑब्जर्व करते हुए देखते हुए उसने ज्ञान और विज्ञान की उत्पत्ति की और शायद इसीलिए जो आज का जो संबोधन है जो आज का की प्रस्तुति होने वाली है प्रोफेसर आर सी वर्मा जी के द्वारा
वो इस गैप को कुछ ना कुछ कम करने में जरूर मददगार साबित होगा, क्योंकि इसका विषय भी डॉक्टर आर सी वर्मा जी ने बड़ा मुख्य रखा है, ए फिजिसिस्ट क्रिटिक ऑफ संस्कृत शास्त्रीय कॉन्सेप्ट ऑफ मैटर एंड कैजुअलिटी। तो हम बहुत एक्साइटेड हैं, बहुत उत्तेजित हैं प्रोफेसर आर सी वर्मा जी को सुनने के लिए। और ये भी मेरा सौभाग्य है कि प्रोफेसर आर सी वर्मा, जिनका की विशेष रुचि रही है भारतीय ज्ञान परंपरा में, इंडियन फिलॉसफी में और इंडियन हिस्ट्री ऑफ साइंसेस में एक हॉबी के रूप में, और उन्होंने बहुत से पेपर्स पब्लिश किए हैं, लगभग 30 के लगभग इस क्षेत्र में, और आप पंजाबी यूनिवर्सिटी पटियाला में पूर्व प्रोफेसर हेड सेंटर ऑफ एडवांस स्टडीज इन फिजिक्स रहे हैं, इसके अलावा आप एडजंक्ट प्रोफेसर हैं आजकल चितकारा यूनिवर्सिटी में, और इससे पूर्व सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ पंजाब में भी आप एडजंक्ट प्रोफेसर रहे हैं। और की जो सेशन ऑनर्स फिजिक्स में पंजाब यूनिवर्सिटी चंडीगढ़ से की है, और उसके बाद पोस्ट डॉक्टरल स्टडी के लिए आपने यूनिवर्सिटी ऑफ अल्बर्टा एडमोंटन कनाडा में शोध कार्य किया है, और अनेकों देशों में आपकी एकेडमिक विजिट्स रही हैं, 125 से ज़्यादा रिसर्च पेपर्स आपने पब्लिश किए हैं, 9 पीएचडी और 8 एमफिल स्टूडेंट्स ने आपकी आपके सुपरविजन में अपना शोध कार्य पूरा करके डिग्रीज हासिल की हैं, और आप हरिओम आश्रम रिसर्च अवार्ड से भी सुशोभित किए गए हैं, और एनसीटीएस फेलो तैवान तथा प्रोफेसर एमेरिटस सी एस वर्मा का, और सभी जितने भी लोग आज की संगोष्ठी में जुड़े हैं उन सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। और मैं ये समझता हूं कि प्रोफेसर आर सी वर्मा, जो कि एक अपनी जो व्यूज हैं एक बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक पर रखने जा रहे हैं, तो जो कुछ सवाल प्रोफेसर अंगिरस ने आज हमारे सामने खड़े किए हैं, और पिछले 6 वर्षों से मुझे ये जिम्मेवारी प्राचार्य की मिली है, तो मुझे भी एक बार लग रहा है कि मेरे लिए बहुत बड़ी ये एक अपॉर्चुनिटी है कि मैं एक इम्पोर्टेंट विषय पर प्रोफेसर आर सी वर्मा को सुनूंगा, और बड़ी रोचक इस पर हमारी जो चर्चा है बाद में होने जा रही है। आप सभी का स्वागत है, प्रोफेसर आर सी वर्मा जी का भी स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर। अब मैं समय न लेता हुआ सीधा आमंत्रित कर रहा हूं प्रोफेसर डॉक्टर आर सी वर्मा जी को कि वो अपना जो चढ़ते हाउस चुड़ियां दे सकते हैं जो भी आप पूछ सकते। जी 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 प्लीज सर, मैं विड्रॉ कर रहा हूँ, आप शेयर कीजिए। ओके श्योर, थैंक्स। आ रही है स्क्रीन है जी? जी जी आ गई। आई होप आई एम ऑडिबल एंड इट्स ओके। जी 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 लाउड एंड क्लियर सर। ओके थैंक्स अ लॉट। सो सबसे पहले तो मैं संजय जी को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ, उन्होंने इतना इजीली बहुत सारी चीजें मेरे बारे में बता दी। आई नेवर थॉट
दैट आई नीड दैट अप्रिशिएशन. और उसके बाद मोर मोर इम्पोर्टेंटली प्रोफेसर आंगिरा जी ने मेरा काम लगभग बहुत हल्का कर दिया है. इनफैक्ट मेरी भी कुछ पीड़ा रही है जो आपने अभिव्यक्त की, तो इसलिए लगता है कि हमारे विचार काफ़ी सांझे हैं और बहुत सारे मित्रों के साथ हमारे विचार मिलेंगे भी, तो उनको आने के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद कि वो मुझे सुनने में उत्सुक हैं. और सभी को नमस्कार. तो मैं ये शुरू करता हूँ फ्रॉम दिस टॉक. इनफैक्ट ये टॉक मेरे लिए एक अपॉर्चुनिटी थी टू थैंक ए स्टूडेंट लॉन्ग टाइम बैक, मे बी 40 years बैक और सो. He asked me a question. At that time, I was teaching high energy physics, particle physics to students, because my main area has been high energy physics and quantum physics. So he suddenly asked in the class, "Sir, we keep on boasting about Indian civilization. So could you tell us how much, what we have done?" So in fact, that is the real motivation behind this talk. So, and it took me around more than 12 years to really do it, because as we all know, Bharatiya Darshan, Bharatiya Parampara itni mahan hai, hum shayad isko puri tarah kabhi samajh bhi na payenge, but jitna bhi hum isko dhoondte hain, isko adhyan karte hain, utna anand to badhta hi badhta hai, gyan ke sath sath ek rahasya bhi badhta hai ki hum itna mahan kaarya hai. इतनी गहराई में स्टडीज, वो भी उतने समय पुराने, हजारों साल पहले की बात है, कैसे कर पाए, हमने उसको प्रिजर्व किया, बचा के रखा. अनफॉर्चुनेटली फॉर सम रीजन, मे बी वट एवर इट, आई डोंट वांट टू गो इनटू द पॉलिटिकल इश्यूज, कि हम उसको पूरी तरह अभिव्यक्त नहीं कर पाए. और इससे भी मैं सहमत हूँ, क्योंकि पिछले 30-40 साल में जब भी हमने ये काम कहीं प्रेजेंट किया है, नो डाउट हमें अच्छे मित्र मिले हैं जिन्होंने एनकरेज भी किया है, कंट्रीब्यूट भी किया है, पॉजिटिवली क्रिटिसाइज भी किया है, बट नेगेटिव क्रिटिसिज्म भी फेस किया है. अब वो लगता है समय थोड़ा सा बदल रहा है. कभी कभी लगता था कि हमारा जो नवा एजुकेशन सिस्टम रहा है 1947 के बाद से, शायद वो एक अपॉर्चुनिटी थी जिसको हमने खो दिया, और अभी भी हम एक टिपिकल कॉलोनियल माइंडसेट से पीड़ित हैं, जिसको आप सिंपल शब्दों में, मजाक के शब्दों में भी श्वेतांग महाप्रभु सिंड्रोम कह सकते हैं. और सच बताऊं तो कभी कभी लगता है कि ये जो इलीट क्लास हमारी बने एजुकेशन से, हम कहीं, यदि आप मुझे, यदि आपको बुरा लगे तो मैं माफी चाहूंगा, इंटेलेक्चुअल सिज़ोफ्रेनिया से पीड़ित हैं. क्योंकि जो हमें भारत के बारे में पढ़ाया गया, बताया गया, और जो वास्तव में भारत था या है और होगा, उसका कोई तालमेल नहीं है. सो दैट वॉज द पेन विच आई एग्री विद प्रोफेसर आंग्रेज जी. उन्होंने बहुत अच्छे शब्दों में कहा, और बहुत अच्छा लगा मुझे ये जान करके, जैसे उन्होंने तकरीबन जो मेन मोटिवेशन है वो अपने इंट्रोडक्शन में बहुत ही प्यारे और डिटेल में बहुत सारे इश्यूज को हियर एंड देयर छूते हुए उन्होंने किया है, तो वो खूंटियाँ होंगी जिसके ऊपर हम कुछ ना कुछ कभी ना कभी बात कर पाएंगे. और आई होप, क्योंकि मेरे पास कल की अपॉर्चुनिटी भी है, तो लगता है ये मौका है हम इसको क्रिटिकली एग्जामिन करें. यदि कंटिन्यू करना पड़ा, हम इसको स्पीड में ना खत्म करें, यदि चाहेंगे मित्रवर तो हम इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, बजाय मैं इसको थोड़ी स्पीड से फास्टली करूँ टॉपिक. तो जहाँ तक हो सकेगा होगा, उसके बाद देखेंगे फिर जैसा भी ऑडियंस का, मित्रों का रिस्पांस होगा, वी कैन कीप ऑन कंटिन्यूइंग इट आल्सो. सो आउटलाइंस आर लाइक दिस एज आई शेयर्ड मोटिवेशन, देन सोर्सेज ऑफ भारतीय दर्शन क्या हैं, और ब्यूटीफुली लॉन्ग टाइम बैक, इनफैक्ट आज साइंस भी, इवन मॉडर्न साइंस भी, और इवन प्राचीन जो विज्ञान था वो भी, जिस रहस्य में चीज़ों को छू रहा है और जो पहुंचा है और उसकी अभिव्यक्ति की है, मैं पार्टिकुलरली अद्वैत की बात करना चाह रहा हूँ, कैसे उस प्राचीन काल में भी जो वैदिक सेजेस हैं उन्होंने आइडियाज ऑफ क्रिएशन एंड प्रलय या डिसोल्यूशन के दिए हैं, मार्वलस हैं. मतलब कल्पना करना मुश्किल है, क्योंकि हमें तो यही पढ़ाया जाता रहा है कि आदि मानव के टाइम पे हम अपने गुफाओं में ही शायद रहते रहे हैं. एनी हो,
उसके बाद जो मेन थीम है टॉपिक का वो मेरा ये है मेन रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैटर, जैसे अभी इसके उनके मिले जुले स्वभाव से जो उनके साथ क्रियाएं हो रही हैं वो हमें इस पदार्थ को और ब्रह्मांड को समझने में हेल्प करते हैं। बट जब मुझे ये मौका मिला ग्रंथों को पढ़ने का, और बाय द वे आप सब मित्रों से एक मैं पहले ही क्षमा प्रार्थना ले लूं, मेरी तरफ से शायद ये अनऑथराइज चेष्टा ही है क्योंकि संस्कृत का मेरी बैकग्राउंड नहीं है भाई, तो मुझे ज्यादातर समय पर या तो मित्रों की हेल्प लेनी पड़ी या अनुवाद ही स्टडी करने पड़े। तो यदि आप कहीं हियर एंड देयर डिफर कर सकते हैं तो कोई हर्ज नहीं, वी कैन इवन डिस्कस, वी कैन गो ऑन। बट आई कुड फाइंड ए पर्टिकुलरली इंटरेस्टिंग थीम द स्टार्टिंग विद फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स, देन सेजेस कुड रिड्यूस देम टू, ऑल ऑफ अस नो सांख्य पुरुष एंड प्रकृति, एंड फाइनली इवन दोज टू कुड ऑल्सो बी यूनिफाइड टू ए यूनिटरी पिक्चर द्वैत ब्रह्म व्हाट एवर यू कॉल इट। सो दिस इज द एक्सीलेंट जर्नी, बट द पॉइंट इज इसमें हमें कभी कभी ये पिक्चर दी जाती रही है, जैसे संस्कृत के बारे में प्रसंगनेजर ने बोला ही है कि हम संस्कृत से डेड लैंग्वेज, ओल्ड लैंग्वेज, इट इज मीनिंगलेस, वाई टू स्टडी ओल्ड थिंग, वी आर लुकिंग, वी मस्ट लुक टुवार्ड्स फ्यूचर, नाउ द टाइम इज फॉर द मॉडर्न साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ऑल दिस थिंग। एनी हो, उसकी दूसरे रेलिवेंस भी है और शायद कभी मुझे मित्रवर मौका देंगे तो संस्कृत के क्या एडवांटेजेस रहे हैं, और शायद बहुत सारे लोगों को पता भी होगा, और आज भी उसके क्या रेलेवेंस है, क्यों हमें पढ़ना है, तो वो शायद कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि हमने मिस की है उस। और फाइनली यदि टाइम मिलता है, जैसे जैसे टाइम बीतेगा, इंटरेस्टिंग पैरल्स हैं विद मॉडर्न फिजिक्स। यहाँ मैं ये चीज जरूर कहना चाहूंगा कि मुझे पर्सनली ज्यादा चिंता नहीं है कि क्या हम मॉडर्न साइंस के जो चीजें हैं, कुछ लोग क्लेम करना चाहते हैं, करें मित्रों, लेकिन यदि उसका कुछ आधार देंगे तो ज्यादा अच्छा होगा। और मुझे उसकी चिंता नहीं है, मुझे ये चिंता है कि हम लोगों ने जो किया है हम उसको अपने ढंग से देखें और सोचें कि हमारा व्यू पॉइंट क्या था अबाउट नेचर, अबाउट लाइफ, अबाउट अवर सेल्फ। नो डाउट उसमें बहुत सारे इंटरेस्टिंग पैरल मिलेंगे, सो आई एम नॉट अगेंस्ट एनीथिंग, बट यहाँ मैं माफी फिर चाहूंगा कि मैं इस किस्म के क्लेम से थोड़ा घबराता भी हूँ, और मैं नहीं करना चाहता हूँ कि कोई कहे कि श्रोडिंगर इक्वेशन आपको वेदों से मिल जाएगी, दैट इज बिट गोइंग टू फार। तो थोड़ा इमोशनल आउटबर्स्ट है, या तो हम उसके आधार दें या हम उसको थोड़ा और ढंग से देखना सीखें, क्योंकि मेरा ये व्यू पॉइंट एक और भी है कि जो कुछ भी हम करते रहे हैं, खास तौर पे संस्कृत उसका आधार है, उसको कैरी करने वाला मीडियम है, वो हमारा व्यू पॉइंट है, ईस्टर्न व्यू पॉइंट है, जो कि बहुत ही गहराई में है और जिसके साथ डायरेक्ट यदि टकराव नहीं तो कंट्रास्ट तो है ही, जो वेस्टर्न सोच रही है वो हम अल्टीमेटली चेतना पर भी आके देखेंगे। यदि मुझे टाइम मिला तो लास्ट का जो टॉपिक है रिलेशन विद मेटाफिजिक्स, उसमें कॉन्शियसनेस का क्या रोल है, जो आज पार्टिकल फिजिक्स और खासतौर पर क्वांटम थ्योरी हमें प्रसुएड कर रही है कि हम उसको आइडेंटिफाई करें और उसको रखें, वो संस्कृत में जितना भी काम हुआ है वो स्टार्टिंग से ही इंटेग्रेटेड अप्रोच है। तो देखेंगे, छोटा छोटा सा ही मुद्दे हैं, लास्ट में कुछ 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 कंक्लूजन भी, बट यहाँ मैं ये रिमार्क भी देना चाहता हूँ कि अब जो नई एजुकेशन पॉलिसी 2020 आई है, इसमें ये बड़ा सौभाग्य का विषय है कि इंडियन नॉलेज सिस्टम को उसमें जगह दी गई है, और देश में तकरीबन हर सब्जेक्ट्स पे, चाहे वो साइंस के हों या दूसरे जहाँ पे ह्यूमैनिटीज के हों, लोग लगे भी हैं। आई होप कि हम कुछ लोग जो भी इसमें डिवोटेडली लगे हुए थे उनको मौका मिला है, कभी कभी मुझे लगता है कि मैं शायद बूढ़ा भी हो गया हूँ, तो मौका लगा हुआ है कि हम इसको मौका लें और इसको आइडेंटिफाई करके एक पॉजिटिव वे में दिखा पाए कि बट ग्रेट कंट्रीब्यूशंस वी हैव बिन मेकिंग। फॉर एग्जाम्पल इन चाइना, फॉर आई मीन चाइना साइंस एंड टेक्नोलॉजी में प्रोफेसर निधि, हमने एक्सीलेंट वर्क किया है, वॉल्यूम्स दिए हैं, आज तक वैसे वॉल्यूम्स हमारे पास अपने लिए नहीं है और शायद हमारे पास और भी बड़े वॉल्यूम्स को बनाना होगा। ये चैलेंज है जो आप सभी मित्रों के लिए है और खासतौर पर जो नई नई जनरेशन है उनके लिए है।
So what is the motivation behind this talk? As I mentioned, that student of mine asked me in around, I think, 1984 or so. Then I started looking into it, and what I was... उसको देख करके वो नाचते थे और उनसे प्रभावित रहे श्रोडिंगर। उन्होंने एडमिट किया कि भाई जो वननेस ऑफ क्वांटम फिजिक्स है वो दैट इज क्वाइट सिमिलर टू वननेस ऑफ उपनिषद विच वी कम अक्रॉस। और उन्होंने पुस्तक भी लिखी है व्हाट इज लाइफ एंड माई वर्ल्ड व्यू ऑफ, सो दोज आर वर्थ आई मीन रीडिंग बिकॉज ग्रेट पीपल हैव देयर ओन विजन, वी कैन स्टिल लर्न क्वाइट अ लॉट फ्रॉम देम। सो ऑल दिस पीपल ब्लैक एंड प्रोबेबली आई विल ट्राई टू सी से समथिंग व्हेन आई गो नियर दैट। एनी हाउ व्हाट द एंशिएंट सेजेस थॉट एंड फाउंड ऑब्जर्व्ड दैट राइट नॉलेज ऑफ मैटर एंड यूनिवर्स इज ऑल्सो नीडेड। बिकॉज एक इल्जाम रहा है कि इन्होंने तो सारा एम्फेसिस डायरेक्ट रियलाइजेशन ऑफ सेल्फ पर डाला हुआ है, ये तो जो संस्कृत धर्म की भाषा है बस मंत्र जपो यज्ञ करो और साधना करते रहो यही है। नो दैट इज नॉट ट्रू बिकॉज वी विल सी देयर इज अ लार्ज नंबर ऑफ उपनिषद सेजेस जिन्होंने नेचुरलिस्टिक व्यू में कंट्रीब्यूशन किया और वो एक लंबी परंपरा का हिस्सा है। सडनली ये गायब नहीं हो गया कि कभी किसी ने मैटर पे काम किया फिर वो गायब हो गया, नहीं, उन्होंने दोनों को रखा है, लाइफ को भी रखा है और मैटर को भी रखा है। And they have developed the integrated view of matter and consciousness in a very rational way. Nobody can question them. Because आज की साइंस किस पर डिपेंड करती है? दो चीजों पर, थ्योरी और एक्सपेरिमेंट। तो वही चीज हम वहां पर भी तो देख रहे हैं ना, डायरेक्ट एक्सपीरियंसेस और इन्फ्रेंसेस। वही अप्रोच हमारे पास है, उसी को हम प्रत्यक्ष और अनुमान भी कह रहे हैं। अब शब्दों की परिभाषा है, सच बताऊं तो नई जनरेशन से मुझे ये परेशानी भी होती रहती है कि हिंदी और संस्कृत के शब्दों को, वो घर में भी मेरे साथ होता है, वो एक अजनबी सा व्यवहार करना शुरू कर देते हैं कि क्या दादू इसका क्या मतलब है, ये शब्द ही क्या है, तो वो अजीब सा लगता है। तो मुझे उनको कहना पड़ता है धैर्य रखो भाई और जुड़ो शब्दों से, महसूस करो। अभी जैसे प्रोफेसर अंग्रेज ने बहुत प्यारे ढंग से समझाया कि संस्कृत के शब्दों का एक ही अर्थ नहीं है, डायरेक्ट नहीं है, वो उसका बिहेवियरल आस्पेक्ट भी बता रहे हैं। सो वही चीज आज हम कंप्यूटर के लैंग्वेज में या फिजिक्स में तो करते ही हैं, एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के थ्रू। एनी हाउ सो दिस पार्ट, इनफैक्ट मुझे खुशी है कि प्रोफेसर अंग्रेज ने इंट्रोड्यूस कर ही दिया है कि थोड़ा सा जो मेरे संस्कृत के मित्र हैं उनके लिए मैंने शीट रखी थी, जैसे बहुत अच्छे ढंग से बाय चांस मेरे और उनके शब्द सेम ही हैं कि व्हाट इज फिजिक्स, ऑफ कोर्स इज बेस्ड अपॉन एक्सपेरिमेंटल थ्योरी एंड ऑफ कोर्स वी हैव लॉट ऑफ एम्फेसिस ऑन एक्सपेरिमेंट, वी कॉल इट एम्पिरिकल, बट
once you have data, once you have observed things, measured things, we want to understand. So that will lead us to theory, this interplay of theory, experiment, keep and game. In fact, this thing is common with all branches of science, probably all branches of knowledge also. It should be true. Anyhow, so loosely speaking, we can certainly define physics as a study of motion and transformation of matter occurring in space and time. But very important question, which is still not really well understood, and probably it will never be understood, what is substance? जो हम चारों आसपास देख रहे हैं, हमें तो लगता है बहुत सॉलिड है मेरा लैपटॉप, मैं खुद, मेरा माउस, एटसेट्रा. But is it really that solid? What is its fundamental structure? आज हम एटम, पार्टिकल्स, क्वार्क्स वगैरह तक पहुंच गए हैं जिनका बड़ा एक्सोटिक बिहेवियर है. और इनफैक्ट यहाँ मैं अपॉर्चुनिटी लेना चाहूँगा टू शेयर विद यू, देयर इज अ ग्रेट साइंटिस्ट ओकुन फ्रॉम रशिया, ही रोट एक्सीलेंट बुक एंड इट्स टाइटल इज सब्सटेंस विदाउट सब्सटेंस. सो आज ये हालत हो गई है कि जिसको हम सॉलिड देख रहे हैं वो सॉलिड तो रहा ही नहीं, कहीं ना कहीं वो बहुत मेल्टेड कंडीशन में हो गया. बोहर ने खुद एक जगह लिखा है कि भी जो आप हार्ड कोर मटेरियल देख रहे हो वो उतना हार्ड कोर वास्तव में है नहीं. सो नेक्स्ट क्वेश्चन, सो व्हाट इज सब्सटेंस. और यहाँ पर भी मुझे खुशी होगी कहने में कि जब थोड़ा सा मैंने पढ़ने की कोशिश की विशेषक को, तो आई फाउंड कि वो सब्सटेंस से साथ इंपॉर्टेंटली जुड़े हुए हैं. इनफैक्ट सब्सटेंस इज द फंडामेंटल कैटेगरी ऑफ ऑब्जेक्ट्स, और जो कि सब स्टेट भी है, यानी गुण आश्रय और कर्म आश्रय, जैसा भी अंग्रेजी ने बोला ही है. और उसके बाद क्वेश्चन उठता है, व्हाट आर स्पेस टाइम, इनका इम्प्लीकेशन क्या है, इनका मीनिंग क्या है. सच कहूँ तो आज भी वी नो क्वाइट अ लॉट. इनफैक्ट वॉल्यूम्स कैन बी रिटन, आई एम रेफरिंग टू मॉडर्न फिजिक्स एट द मोमेंट. सो बहुत कुछ हमें पता है स्पेस और टाइम के बारे में, बट डू वी हैव इट्स फाइनल अंडरस्टैंडिंग. Answer is big no. In fact, matter के साथ भी वही हालत है कि हमें जितना हम अध्ययन कर रहे हैं matter का, उतना ही लग रहा है matter है कहाँ. Matter को define करने वाला एक particular parameter mass है. आज हमें नहीं पता वो mass क्या है, अभी तक हम उसको measure करते हैं. बहुत मुश्किल से 4-5-6 साल पहले जब Higgs particle, जिसको God's particle भी कहते हैं, वो discover हुआ है, उसने हमें कोशिश किया समझाने की कि mass भी अपने आप में एक इंटरेक्शन डिफरेंट फील्ड का, हिग्स फील्ड के साथ उसका आउटकम सा है. तो वो जो सॉलिडिटी है मैटर की, वो तो लगता है टोटली गॉन ही है. लेकिन फिर भी हम हैं, हम इसको कैसे निगेट कर सकते हैं. तो उस मामले में मैं सभी मित्रों को एक चैलेंज देता हूँ, अक्सर मुझे घर में भी सुनना पड़ जाता है जब मैं बच्चों को कहता हूँ कि भाई दीवार का पीला रंग, जो मैंने पीला रंग के कपड़े पहने हुए, ये पीला रंग वास्तव में यहाँ है नहीं, ये सिर्फ मेरे माइंड का खेल है. तो यदि हम इसको समझेंगे तो हमें लगेगा तो पूरे की पूरी गेम जो सृष्टि में हो रही है, फ्रॉम यूनिवर्स टू मैक्रोकॉस्म, बेसिकली इट्स अ गेम ऑफ माइंड, जो कि हम अल्टीमेटली वेदांत में जाके देखते हैं. एनी हाउ, फिजिक्स इन जनरल साइंस फॉलोज स्ट्रिक्टली कॉजालिटी. व्हाट इज कॉजालिटी? इट इज बेसिकली रिलेशनशिप बिटवीन इफेक्ट एंड कॉज. इन क्लासिकल, इन ओल्ड फिजिक्स, इट इज द न्यूटन लॉ विच गिव्स अस the first important relation, and which is prevalent everywhere. You cannot work without Newton's law that relate acceleration with force. Often, यदि आप में से कुछ ने physics देखी होगी, पढ़ी होगी, तो आप जानते होंगे fundamental formula हम 11th 12th में करा देते हैं, F is equal to ma, where F is force, mass, m is mass, and a is the acceleration. I write it the other way around. I always write acceleration a equal to force over mass, because force is the cause. And acceleration is the effect. And effect, of course, depends upon force. That is cause. And mass is trying to restrict it. That is inertia. So this thing, and finally in quantum physics also, Schrodinger equation, which I don't want to write here, it is slightly complicated. One has to have a good mathematical background, is also a similar causal relation. Of course, with the new features of uncertainties and wave particle duality, etc., etc. But it is there. We are not beyond causality. We are living in this world where every phenomena is acting like a cause, and it will lead to effect. That effect
itself lead to some other new kind of effect. So the whole universe happening is basically a chain of cause and effect relationship phenomena going on everywhere. And why I am paying so much time here? Because I was happily shocked and surprised when I found Karnad has spent very good amount of time and energy to elaborate this causality principle in at that time. I mean, roughly, if people like maybe taking my dates a little conservatively, normally we conservative people believe it is around 3,000 years or so, maybe slightly early. Anyhow, it doesn't matter. That is not the point, because time is not very important. So the point is, this causality was thoroughly searched and viewed, and in fact our schools which we learn like Vaisheshik, Sankhya and Vedanta, they developed their own view about causality, and those are interesting things. In fact, those interesting ideas may, I personally feel, this is my opinion, can help us to even understand what is happening in present quantum system, which have a dual role, as Professor Angris has already mentioned, that systems are behaving like wave and particle. In fact, today, more fundamental duality is between field and the particle. Field is something which is omnipresent everywhere, all over, in space and in time. So, and its role is very active role. I mean, we know that quantum fields have creation and destruction operators which act upon things and change the number of particles. That reminds me, which we'll learn on the way, that Akash Tattva is basically the originator, and we must not confuse Akash with space. Unfortunately, even today I find Sanskrit texts where Akash has been translated as space. Even I have used those shield, but I don't agree. Akash is something which might be there all over the space, but it has an active role. It is a generative principle to start the game, as abhi aapne jaise bataya, roop plus gandh, shabd sparsh roop plus gandh jo hai, yani property, shabd se start hone hai game. To lagta hai field is the fundamental entity jisko humne wahan par Akash ka hai. So we shouldn't be confusing Akash with space and that what we see around. It is more deeper thing. Then one important aspect is unification of forces. This is a beautiful theme which is going on in physics, because we feel happy when we are able to connect things. For example, Newton told us that terrestrial gravity and celestial gravity are basically same. And then Maxwell told us electricity and magnetism are not independent forces. They are basically one force. So today in physics, we have four fundamental forces. Three can comfortably be unified. So there are slight issues with the gravity. But the problem of gravity and fundamental forces has shown us the microcosm, that is the physics of particles, and macrocosm, that is universe. They are intimately connected. So in that way, passing on this, what we also find, physics has revealed us that energy is very important and enigmatic concept. People still not energy. We keep on teaching our students that energy is the capacity of doing work. And if you ask that what is work, then work is the outcome of energy. But I would like to quote the great Feynman who taught us, if you go through his book, which are very beautiful fundamental books on physics, he says energy is something which we don't understand, but still keep on calling energy. The role of energy we will find is become very important when we go to Patanjali Yoga Sutras. Then vacuum, there is nothingness. It's very important for us. Today in physics, we are shocked to know that vacuum is more complicated than the matter itself. Originally, we think vacuum should be nothingness, just empty space. But we are finding it is full of energy, latent energy. We call it zero point energy. And it is much more complicated structure than the matter particle. In fact, matter particle can be viewed as bubble in that messy vacuum. So there are so many issues which we can keep on revealing, but I don't want to spend time on this. So the question is this question, which I was sharing with you. What is the world made up of? What hold it together? What are the forces behind it?
have kept ancient thinkers very, very busy. I mean, somehow these were very important. So we were not just looking at our foods and all that. So now the main thing is, and this is again for those who are new to this things, because I'm sure all of our Sanskrit friends must be knowing, but as Sanskrit, the introduction of Sanskrit literature, this is a great literature. What we find several theories of matter and universe which pass through from mythological ideas to distinctive rational theory. Where we can find them? We can find them, their origin lies in Vedic literature, Sanhitas, Rig Veda, Yajurveda, Samveda, Atharveda, where Rig Veda lays the has the leading role, and then we go to related texts, Brahmans, Shatapath Brahman, Gopala Brahman, and so on, Aranyaka, and so on and so forth. But then understanding which we find in Rig Veda, which is more mystical, start becoming crystallized, pristine when we go to Upanishads. There are several, I think 200 or so, over 100 Upanishads, but major, often we count them as 11, that is Ish, Kain, Kath, Prashan, Mundak, Mandukya, Taittiriya, Aitreya, Shvetashtra, Chandogya, and Brihadaranyaka. The last two one are quite big, and Isha is the smallest in size. All those tell us a great picture, and for my young friends, I would request them and also suggest them, please find some time to go through these texts. They look enigmatic in the beginning, they are enigmatic sometime, but we have to have patience and go through them. They will reveal a lot of us. And the essence of all these Upanishads we can find in Srimad Bhagavad Gita. Though we call it a religion, a book of religion, I never consider Gita as a religion book. I say this is a great book on psychology, perennial psychology. And we have a lot to learn about our actions, our karma, but it also reveals about the nature of reality. It quite goes quite parallel to Sankhya and Yoga both. Anyhow, besides these basic texts, there are certain philosophical Bhartiya Jyotirvidya Darshan and schools and jinko hum do category mein divide kar sakte hain, Vedic or Vedic, both are equal in number in six. So six these, I mean, systems are Nyaya, Visheshik, Sankhya, Yoga, Mimamsa, and Vedanta. We can even put them in three pairs, because Nyaya and Visheshik often go together. Similarly, Sankhya Yoga also go together, and Mimamsa, we have Pura Mimamsa, then Vedanta is called Uttar Mimamsa. The great originator of these are Gautam for Nyaya, Ganath for Visheshik, Kapil for Sankhya, Patanjali for Yoga, Jaimini for Pura Mimamsa, and Vyas, Badarayan Vyas for the Brahman. And these are the texts. These are the foundational texts like Nyaya Sutras, Visheshik Sutras, Sankhya Sutra or Sankhya Karika, Yog Sutras, the Pura Mimamsa Sutra, and Brahm Sutras. These are the main foundational texts. Of course, there are several commentaries. I'm not competent to comment how much they are there, but there are many. And these have also generated new sub-schools with them. So what is the focus? Focus of Nyaya Sutra is on logic, that is means of cognition. Visheshik Sutra is more emphasizing on ultimate constituents, what is space, what is time, and how these constituents, the so-called Parmanus, talk to each other and generate things, generate phenomena through a principle of causality. In fact, we all probably agree that this is the oldest darshan which we have. People may differ here and there. But then we find Sankhya school, this is a great school. It gave us cosmic evolution at cosmic scale and as well as also individual scale. But I personally like, this is a very unique philosophical school or the Darshan Shastra ka wo shakha hai, jahan hum pehli baar continuum or discreteness ko आपस में देख रहे हैं, बिकॉज आज भी वो क्वेश्चन है कि जो कंटिन्यूम है, फील्ड फॉर एग्जांपल इज कंटिन्यूम बट पार्टिकल इज डिस्क्रीट,
ये वो स्कूल है जिसने कंटिन्यूम से शुरू किया है और लास्ट में हमें इंडिविजुअलाइजेशन की तरफ यानी इंडिविजुअल पार्टिकल्स की तरफ लेके आता है। सो दिस इज अ ब्यूटिफुल वे जहाँ कंटिन्यूम को डिस्क्रीटनेस के साथ जोड़ा गया है। और योग जो है उसकी अपनी खूबी है क्योंकि अभी तक हम गप्पे मार रहे हैं, अभी हम बातचीत कर रहे हैं, अभी हम फिलोसफिकल अपना सिस्टम डेवलप कर रहे हैं, हम कंसेप्ट डेवलप कर रहे हैं। योग कहता है नो, जो कुछ भी कहा गया है आप उसको रियलाइज कर सकते हो। So that way, that gives us practical aspect of search, and it is something very so important that I personally call it scientific book on inner journey. And it is so perfect, nobody can even add iota to it, and nobody can take iota out of it. So it is a perfect way. And if you ask me if I have to keep one book only so that the other books, suppose somebody is throwing out, I will say save Yoga Sutras, because that will provide the key to know everything. So it is a practical thing. It will take you to that dimension jo aapko vigyan jaisa bhi baat ho rahi thi, agyan vigyan aur pragyan ke, ki kaise aapko real wisdom, inner wisdom ki taraf wo leke jata hai, jo sirf logical thinking se nahi aane wala. You have to see it. That is the beauty. Another thing which I can share, we call it darshan, we don't call it thinking. So sometimes I feel translating darshan as philosophy is a probably wrong thing. Then this Mimamsa focused more on ritualism, but it did talk about matter. Finally, the Vedanta, this is the culmination of Vedic wisdom, which revealed the reality as in the form of absolute unity, non-duality. But then there are other schools which are equally respectable. Jnana school, Buddhist school, Tantra school, Charvaka school. Jnana school, they are as ancient as Vedas themselves, probably more. जहाँ तक मुझे लगता है शायद मैं शायद ठीक हूँ कि ऋषभ देव जो पहले उनके तीर्थंकर हुए हैं उनका नाम बहुत सम्मान से वेदों में लिया गया है। लेकिन जो उनके लेटेस्ट तीर्थंकर हुए हैं महावीर, उन्होंने रफली बुद्धा के समकालीन, ऑल दीज डेट्स आई personally don't agree, I have just borrowed from the book. I just happened to see that Buddha's time, we call it roughly 600 BC or so, but it can be even 1400 BC if you go to the text. So anyhow, those are the controversial issues. Then Tirthankar Mahavir gave the final form of Jainism, and then of course people have developed their own philosophical school out of them. Then we have Buddhist philosophy, which can be divided broadly into classes, Hinayana, Mahayana, though there are large number of branches of ancient Buddhism. And then Tantra school is also as ancient as the Vedas, probably even more. Sometimes I feel that in Atharvaveda we have more of a Tantra than the other things. So, but unfortunately, even today, we don't have preserved the Tantric text because somehow in society it has gotten a bad name. People could not appreciate. This is a really a practical and theoretical system. Broadly, we have five Tantras, schools, Shaivism, Shaktism, Vaishnavism, and Tantra and Ganesha Tantras. Then Charvaka, which belonged to its own class, people say that there was a book, Brihaspati Sutra. Unfortunately, probably we don't find that book easily. However, in most of the texts, whether it is heterodox or orthodox schools, we have debates in which Charvaka's arguments are also considered. So development of these schools had taken their concrete shape by the time of Buddha. In an atmosphere of rivalry and counterfeiting other schools, each of them and their sub-school, this is the greatness which we have in our system, Shastrarth. Let us debate, let us be open. Or debate ke bhi niyam banaye gaye the aur bade respectable ways mein banaye gaye the. Aajkal ke TV wali debate nahi hai jahan logon ko ye bhi nahi pata hota ki jab ek vyakti bol raha hai to dusre ko sunna chahiye. वो वितंडावाद की तरफ चलना शुरू कर देते हैं. बट वी हैड अ ग्रेट ट्रेडिशन जहाँ रूल्स हैं उसके शास्त्रार्थ के, और शास्त्रार्थ आप दो मंदिर वैसे नहीं कर सकते हैं, दो व्यक्ति मिल करके. कोई चाहिए प्रेजेंस ऑफ ए मास्टर हु कैन कोऑर्डिनेट द होल थिंग. एनी हाउ व्हेन वी स्टडी देम व्हाट दे डिड, सो बाय द फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिडंट डाई. आई मीन ऐसा नहीं है कि संस्कृत सडनली खत्म हो गई. दीज स्कूल्स केप्ट ग्रोइंग क्वाइट एक्टिवली एज लेट एज द मेडिवल टाइम. I hope that they will
already started now. When I find we are invited and we are enjoying our talks and discussing things. Anyhow, range of their theories I find, as I already told, starting with the grossest form of matter in terms of finite number of elements in nine, and reducing them to two, and finally goes to the absolute unity. So this theme of unification can also be seen there. In this respect, these schools came to realize various representation of matter. In fact, all these schools developed their own ideas, and of course they sometimes oppose, sometimes contradict, sometimes they complement also. However, roots of all these ways of thinking lie in the Vedic literature. And this just to show you in the inverted tree of the Vedas, how everything starts from Veda, and other branches of knowledge are oozing out of it like a tree, and not just scientific, religious books. We have books on science, technology, astronomy, mathematics, medicine, surgery, martial arts, spirituality, for philosophy, logic, yoga, grammar, religion, rituals, finite, music, and dance. I'm amazed how much work we are still having. And it's painful to see, in spite of millions of Sanskrit manuscripts, only few are translated, few hundreds maybe or so, are translated so far in any language, say Hindi or in English or other branches, where we need all of them to be translated. We must remember that ideas developed in those books were crucial to humanity reaching its present stage of knowledge for even physical world, not only spiritual world, for the physical world. So these are the thing. And by the way, who says Sanskrit is dead? Who says people don't care about Sanskrit abroad? This is the wall of Warsaw University Library with Upanishads engraved on it. I'm sorry to say, do we have any university doing this in India, in Bharat? And we also know that Sanskrit is being taught in many European universities. And we also know that now NASA and computer AI, all those people are demanding, we need it, and they're using it also. Sometimes we may lag behind if we are not energetic and concerned enough. Anyhow, by the way, here is the first sheet, which is important, and probably a lot of time has gone, so maybe I will skip unless my friends ask me to go on. So this is the basic idea which we find in Rig Veda about creation, about dissolution, about Srishti and Pralaya. So first of all, how did they look at the universe? So by the way, when we say universe, today we talk of galaxy systems and billions of galaxies and having billions of stars. Probably, let us be realistic, what I find Vedic seers who were really good sky gazers also, they regarded the universe, the Brahmand, as divided in three distinct regions. I have given the sukta number. They divided in three, Prithvi, Antariksh, or Deos. We all understand, so I will not go into the detail of that. But the question is, how it originated, how it was born. So the first immediate thing which we come to know is Hiranyagarbha Sukta, which talk of golden womb. It is the source of creation of universe. So I have the sheet next giving about the details here, but probably I will not be able to spend time on that, because otherwise the main topic will be left out. So, but most beautiful sukta of creation, if I say, it is Nasadiya Sukta. Because in Nasadiya Sukta, they raised fundamental questions regarding the universes, which is beyond imagination. When I first time read it, I was shocked. How could they do it? How could they ask such kind of questions? It deals with cosmology, it deals with the origin of a universe. And at that early stage, they are talking about being and non-being, sat and asat, bhav and abhav. So that is why the concept of abhav, concept of non-being, concept of absence, it's built in right from the Vedic time. So that is not surprise that we could invent zero. And without zero, you know, no mathematical work can be done. And then after the giving about origin and development of universe, they very categorically talk about cosmic laws, which they call Rita.
ये जो वर्ड हैं, शब्द हैं, सत्य है, रित, और मेरे मित्र शायद मेरे से कहीं सहमत भी ना हो, अपना अपना ढंग है सोचने का। मेरे लिए ये है कि सत्य लास्ट विच आर लाइंग इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर समवेयर, व्हेन दे बिकम ऑपरेटिव, व्हेन दे बिकम डायनेमिक, दिस दैट दीज कॉस्मिक लॉज आर एट द रूट ऑफ क्रिएशन ऑपरेशन ऑल द टाइम रेगुलरली एंड कैन नेवर बी वायलेटेड बाई एनी मीन्स। एवरीथिंग वेदर ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक हैज टू ऑनर दोज लॉज, इवन गॉड्स फॉर एग्जाम्पल। देन नेचर, ऋग्वेद सीज नेचर एज एन एग्रीगेट ऑफ फंडामेंटल फोर्सेस, सो जस्ट अ कलेक्शन ऑफ एवरीथिंग टूगेदर। एंड इन दैट रिस्पेक्ट दे ऑल्सो डेवलप्ड अ वंडरफुल कंसेप्ट ऑफ कॉस्मिक एनर्जी विच दे कॉल विश्व ज्योति, आई थिंक इट इज उषा। All objects of universe and their phenomena are manifestation of Vishva Jyoti. So energy is at the fundamental. Classical physics में 1900 से पहले matter was fundamental, energy was its property. But after Einstein, 1905, when he gave us the beautiful equation E is equal to mc square, he told us that matter is not fundamental, mass is not fundamental, mass is nothing but one form of energy. We have so many energies: heat energy, electric energy, magnetic energy, nuclear energy, kinetic energy, potential energy, which are interchangeable, but fundamentally they are same. And in that way, mass is just one form of energy. That is a paradigm shift. Both relativity and quantum mechanics changed our world view. They changed the paradigm of physics also, and which has brought us closer to Sanskrit views, the literature which we have. So maybe I can jump over this thing. I have given the sukta, you can, as the seeds of five element theory. It says beginning of all was up, primer water, the first element. And it bore an egg out of which space, earth, and sky arose. And out of them, three elements arose: Agni out of earth, Vayu out of air, and Aditi out of sky. So you see the seeds of five element theory which were there, they are coming up. So then, so far we were talking about creation, Srishti. Rigveda categorically pays attention to dissolution, that is, Pralaya. Entire creatures, organic or inorganic, must ultimately return to the source where from it had come forth, that is dissolution. Of course, then Upanishads will expand all those things in quite detail. As I said, this is the most lovable Nasya Sukta. I hope all of my Sanskrit friends have looked into it. And for physics people, sometimes it may be new, but they look at the very line when they say na asatata na satata. So the idea of being and non-being is there. And then they also suggest water, jala. This water should not be confused with ordinary water we see. It is aap. Aap is what aap is, still probably don't know. People don't know. Maybe it is field. So the first element Rigveda and Nasya Sukta says is up alone existed, which even produced that one Brahma. That is fantastic. It is really fantastic that we normally say Brahma is the fundamental. Here we find up is the fundamental. So we have to see up, that is water, in a bit different way. Ordinary water does not is not a good translation of up anyhow, but that would take me too far. So it takes a lot of thing, but look at the level of question. कौन संपूर्ण रूप से जानता है, क्योंकि देव भी बाद में आए थे और असत में सत के कारण को खोजा, कैसे हो रहा है भाई? This is a beautiful thing. He says सत out of असत, कैसे हो रहा है? ये बहुत आज भी एक क्वेश्चन properly understood नहीं है, but when we see that vacuum is playing fantastic role in physics, which we simply say non absence of matter or being. So we are coming close to it. And then lastly, look at the boldness of the sage, the Yadishi. Shayad Srishti ka adhyaksh isko janta ho, kya pata nahi bhi janta ho. So those are the things. So in this beautiful Nasya Sukta, Vedic sages raised fundamental question about origin and creation of universe. Was there a creation? When did it occur? What caused it? Would it ever come to
And who knows all this? So highest monistic reached in the element encompassing being as well as non-being. हाँ, still मेरे अभी भी रोंगटे खड़े हो गए हैं जब मैं ये लाइनें समझने की कोशिश करूंगा कर रहा हूँ. एंड आई एम हैप्पी टू शेयर विद यू द ग्रेट मधुसूदन ओझा जी, द सेलिब्रेटेड संस्कृत स्कॉलर. एवरीबॉडी हैज एग्रीड देयर इज नो स्कॉलर ग्रेटर देन हिम. ही वाज सो ग्रेट अ पर्सन. जयपुर के उसके जो है राजवंश के वो शायद कुल पुरोहित भी रहे हूँ, प्रॉब्ली मैं ठीक हूँ. ही रिकॉग्नाइज्ड 10 डिफरेंट स्कूल ऑफ कॉस्मोलॉजी at that time out of Nasdi Sukht, and he wrote one text on each of them, and those texts are not small. By the way, unfortunately, being ignorant of Sanskrit, I couldn't appreciate. I have only one of them, Rajovad, and thoda bahut usme se jo Hindi ka portion hai, main actually padh paya. But these are the names of schools which he has found, recognized in the Nasdi Sukht itself. So that shows the depth of Sanskrit, what should I say, slok or sokht, whatever. It's endless. We cannot fathom it totally. Highly symbolic, highly informative, and in all dimensions of knowledge. As I said, with cosmic laws at the root of the creation, there is again a whole section given on Rit. And they say that even sun, every dwaran, all follows it. Natural phenomena follow the Rit, and it is unitary dynamical principle present everywhere, and everything provide order, balance, and harmony in world. Rit is the founding principle for duty and karma, and still we are bound with duty and actions very well. We all know that karma fal siddhant hamari parampara ka, hamari soch ka sabse important issue hai. Rit usko dictate kar raha hai. Then Vishnu Jyoti, as I said, everything is manifestation of cosmic energy. So, but the point is, even though cosmic energy is the responsible for everything, even the appearance of Usha, that is Usha itself, cosmic energy itself, its illumination of universe, whatever way you can say, this illumination word is very deep, we can keep on interpreting it, are according to Rita. So Rita is the main thing, law is the main thing. Then from Rig Veda, let us come back to let us go further to the Upanishads. Again, people say, ये तो ब्रह्म की बातें हैं, ध्यान की बातें हैं. ऐसा नहीं है भाई. Out of 100 thinkers of Upanishads, at least 18, Ushasthi, Bhakt, Kaushitaki, Rakho, Pardhardhar, Budil, Pangaya, Udalak, Anil, sorry, Arun. All those people tend toward the naturalism. They were trying to study nature, the universe, what is there, how we can do it. And what I find, when you go through various Upanishads, all these theories hold either to all of the elements like earth, water, fire, air, ether to be responsible. They are doing it one by way sometimes, and sometimes they will join. Some Upanishads will say earth is the dominating principle. Some will say water. Some will say fire. Some will say air. So they suggested later on, they realized that maybe we need all of them. So they succeedingly went into having five element theories. And but some thinkers also suggest metaphysical principles like being and non-being, sat and asat, to be responsible for the origin of universe, Brahmand, and life. Finally, they also considered biopsycho principle like life force, prana. अब प्राण एक अक्सर मुझे स्टूडेंट से भी बात करनी पड़ती रही है, तो बड़ी दिक्कत होती है बात करने में. प्राण जब हम सोचते हैं ब्रीदिंग है, वही है. नहीं भाई, पहली बार जब मुझे विवेकानंद जी की पुस्तक पढ़ने को मिली, राजी होगा, उसमें उन्होंने लिखा है कि प्राण वो है एनर्जी, वट एवर इट इज उनके टर्म है, जो पूरे ब्रह्मांड में फैली हुई है. और हमारे जो ब्रीथिंग सिस्टम है वो तो एक वन वे है टू एक्सट्रैक्ट दैट एनर्जी फ्रॉम द स्पेस. मैं हंसा भी था, क्योंकि मैं उस वक्त 17-18 साल का था. मैं इनका ये कैसी कैसी बातें कर रहे हैं. बट विद इन ईयर और टू, जब मुझे क्वांटम थ्योरी में प्रॉब्लम सॉल्व करने पड़े हार्मोनिक ऑसिलेटर की, वी फाउंड जीरो पॉइंट एनर्जी. दैट मीन्स, जैसे अभी मैंने थोड़ी देर पहले बोला कि रिलेटिविटी ने हमें सिखाया कि एनर्जी फंडामेंटल है, मास उसका एक फॉर्म है, बट फिर भी कहीं ना कहीं कनेक्शन उनके बीच में बना हुआ है. क्वांटम थ्योरी हमें एक स्टेप फर्दर ले जा रही है. वो कह रही है एनर्जी को कैरी करने के लिए, होने के लिए मास की जरूरत नहीं है, मैटर की जरूरत नहीं है भाई.
एनर्जी कैन एग्जिस्ट इवन इंडिपेंडेंट ऑफ मैटर, क्योंकि जब हम क्वांटम फिजिक्स में प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं, अब नाउ एवरी क्वांटम सिस्टम हैज ए वैक्यूम वेयर वी हैव जीरो पॉइंट एनर्जी, और वो जीरो पॉइंट एनर्जी ऑल ओवर स्पेस डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो वैक्यूम विदाउट मैटर इज एनर्जेटिक। और यदि मेरी मेमोरी ठीक है और सलाम साहब को मैं समझ पाया हूँ, तो उन्होंने कहीं लिखा है कि एक छोटे से अंगूठे के जितने जगह में भी, इतने वॉल्यूम में भी कई यूनिवर्सेस को पैदा करने की एनर्जी है। तो प्राण यदि फिजिक्स में जीरो पॉइंट एनर्जी पूरे ब्रह्मांड में हो सकते हैं, तो भाई प्राण क्यों नहीं हो सकता जो हमें लाइफ के दे रहा है, क्योंकि हमारी तो इंटेग्रेटेड अप्रोच रही है। तो ये चीजों को हमें देखना है, समझना है, जो हमें बहुत कुछ रिवील करेंगे। एंड विगर एंड इमेजिनेटिवनेस ऑफ दिस आइडिया स्लोली बट फाइनली पेव्ड द वे फॉर इमर्जेंस ऑफ मोर क्रिटिकल थियोरीज ऑफ मैटर एंड यूनिवर्स लेटर बाय डिफरेंट स्कूल्स। सो आई जस्ट रिमाइंड दैट देयर आर मिथिकल आइडियाज लाइक वंस अपॉन अ टाइम, देयर इज क्रिएशन आइडिया, देयर आर बायोलॉजिकल आइडियाज एंड सेक्सुअल आइडियाज, एब्स्ट्रैक्ट आइडियाज। Then first time we find Chandogya saying that we need three element at least, and then we also see discussions going on. In Upanishad we find on several concepts which are concerning about the original universe. So that shows boldness, openness of Vedic sages. They are open to discussion there, because they always felt that maybe this is not the final view, or they may be one, they may be more, they may be complementary. So in Shvetashtra Upanishad we had this beautiful line: some say it is time, others say it's nature, others say necessity, others say chance, some others say element, some others say person, that like Brahm, still others says combination of all them, and yet some says it is the self, that is Atman, which is the source of all things whatsoever. It again reminds me and bring back me to the question ki jo pila rang main apne kurte par dekh raha hu wo hai kahan bhai, kyunki physics ke lihaz se point of view se color does not exist, color ek mental phenomena hai, kyunki electromagnetic light beam gaur ke ho, even x-ray aur ultraviolet aur gamma rays ho ya radio waves ho ya infrared rays ho, ye ek jaisi hain, केवल वो इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड की ऑसिलेशन हैं जो स्पेस में मूव कर रही है, तो कलर जैसी कोई चीज उसके ऊपर है नहीं। समहाउ हमारे आइज के थ्रू माइंड ने या ब्रेन ने वो एक सिस्टम डेवलप कर लिया है जहां वो डिफरेंट फ्रिक्वेंसीज को आइडेंटिफाई करने के लिए कलर का कंसेप्ट इन्वेंट कर लिया। तो यदि कलर नहीं है तो वैसे ही बाकी जो सेंस परसेप्शन है, नाक है, कान है, उनसे भी जो मीनिंग हम निकाल रहे हैं, मीनिंग डज नॉट एग्जिस्ट। ये ऐसा ही है जैसे टीवी की स्क्रीन पर या फिल्म हाल में हम लोग देखते थे कि ब्लैक एंड व्हाइट का खेल है, उन दिनों दो ही कलर होते थे बचपन में, वो छाया है कुछ नहीं वहां, लेकिन उसको भी देख के हम लोग सेंटिमेंटल हो जाते हैं, दुखी हो जाते हैं। वही चीज यहाँ पर भी है कि जो कुछ भी हम वर्ल्ड का देख रहे हैं वास्तव में वो एग्जिस्टेंशियली नहीं है, जो हमें अल्टीमेटली वेदांत की तरफ ले जाता है। सो एवरीथिंग इज, यदि हम साइंटिफिक लेवल से कहें तो माइंड, क्योंकि साइंस उससे अभी आगे जाना नहीं चाहती है, इट्स ऑल माइंड व्हिच इज गोइंग ऑन, एंड मे बी वी कैन टॉक अबाउट दैट समटाइम्स, बिकॉज आई डेवलप्ड ए मॉडल ऑफ बीइंग, ह्यूमन बीइंग बेस्ड अपॉन उपनिषद्स। सो एज आई सेड, द उपनिषद टॉक अबाउट सृष्टि, सो दे ऑल्सो टॉक अबाउट पैरेलल आइडिया ऑफ क्रिएशन इंप्लाइज डिस्टिंक्शन। So idea of single creation is substituted by series of creation, each followed by the resolution. Srishti parale, Srishti parale. An eternally recurring process through which a recreation of universe occurs and is determined by the action of the last previous universe, that is our deeds. It is he who then from the depths of the space awaken to life and thus fear this Maitreya Upanishad. Then Tatriya and Katha says Supreme Brahm is the consumer of all human beings. Supreme being, though of course it is originating also. So that again does not surprise me, because in quantum field theory we learn field has all the aspect. Field can create, field can destroy, field can also maintain. We have these three number operator, creation operator, and destruction operator, which great mathematician, physicist Sakurai compared with
three creative destructive and maintenance principles like Brahma, Vishnu, Mahesh in his book on quantum theory. Then Mundak Upanishad says, Supreme Being is like a spider. It sends forth the thread and can draw them back. Then Mundak Upanishad says, at the time of dissolution of the universe, all things return to their respective causes in the same order in which they had been originated. So the idea of creation and destruction is already available in Veda and in Upanishad. Now, coming back to the main thing, and of course, I know I'm probably losing time. So you can tell me, shall I continue or we can take it tomorrow? We should take it tomorrow, sir, because we have already gone beyond time. So we want some questions and some other things also. Sure, I will just actually talk about it. As I already shown, I have talked about Rig Veda and Upanishad so far. Of course, it is just touching things here and there. But these schools of Bhartiya Darshan, what they say on physical world, as I said, we can divide it in 9 elements or even more or less, but it's finite number of elements. That is what I call pluralistic representation of matter and the universe. Second is dualistic representation, where two elements are okay, and in a unitary representation, one is sufficient, though it is wrong to call it is better. To Hinayana and Charvak, they subscribe to pluralistic representations in their own ways. So, but Visheshik is the excellent presentation of this school, and though other may differ here and there and may add new features also. In fact, here also they just recommend that we have large number of commentaries. So real meaning of these schools are revealed later on through more and more deeper meanings actually were revealed by through the commentaries. As far as dualistic representation is concerned, Sankhya is a representative of that. It gives us a nice introduction, though yoga of course go with it, and yoga go with it, Patanjali yoga, and Tantra school subscribe to it, of course, in its own way. Unity representativism and Mahayana subscribe to that view with their own actually features. So their ideas begin with the understanding of gross matter in terms of few elements, combine them to two, and finally all go to unity. Thank you very much. I will continue from this onward. Thank you, sir. It's a wonderful talk. It has enhanced, certainly it has enhanced my perception and my understanding about the whole subject. Thank you very much, sir. Now the house is open for the question answer session. You can make your observations, you can share your views, agreements, disagreements, questions, you can raise the questions also, anything. So first of all, I will request Professor Ravi Sharmaji to make some observations about this whole issue which we have taken up today. How he looks at the whole issue. Professor Angiras, can you hear me? Ji. Yes, sir, loud and clear. We really must thank our speaker, Professor Ramesh Verma, for encompassing a very vast area, both in terms of trying to understand what is in our ancient wisdom needs current interpretation, and also in connecting to present day understanding of physics, both particles and other forces of nature that are known. You have done quite a bit of background work in wider interpretation of Shastras, although you yourself are saying that you have not studied them as original Pandit Madhusudan Ji Oja could directly quote the
Samhitas, the Brahmans, and the other two parts are with those ten Vadas that you described. And he wrote about 20,000 pages in Sanskrit. One of his disciples was Pandit Motilal Shastri, who tried to say, I will explain it in simple Hindi. And he did about 80,000 pages. And I remember that people like Pandit Vasudev Sharan Agrawal came from Banaras Hindu University, and they all went to President Rajendra Prasad for lectures. I was too little at that time, but I do remember the stories my father used to say about it. And those Vasudev Sharan Agrawal also reinterpreted a lot of work of Motilalji Shastri. He himself was a great scholar of Sanskrit and Hindi in Banaras Hindu University. So I'm not going to deliberate too much on those aspects, except to say that it is one of the rare attempts. There are a few more around, maybe not as deep, some one subject, but you have given us a pretty good comparative overview. A canvas is created by you, on which I'm hoping to hear more tomorrow, especially. I want to know why you feel causal connection is more important than otherwise. Otherwise, the only choice we have in nature as it is, namely, learn all that the scientists are doing with observations at LHC and astrophysical observations and some lab experiments, and then compare them with what we know from our Vedic and related knowledge, including Agam, Jain, Buddhist, and other granthas. So it's a fantastic talk. I will reserve some more questions for tomorrow because we have run out of time. And kindly let me know if I have missed out anything in my overarching comments. So do you want me to speak about causality a little? No, sir. Perhaps जी. Tomorrow. No, sir. Perhaps tomorrow I request. जी, जी, जी. Certainly, certainly. Excellent. जी, ठीक है. Also, I think, unless other comments, we would like to also dwell on modern meanings of cognition, real and unreal, and intelligence as it relates to cognition, because that is also a thread I'm seeing in your talk. Thank you. Sorry, Angiras ji, kahiye. Sir, will you like to respond to it briefly? Ji, 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 ji. I will like Dr. Saab to respond to it very briefly. In detail, we will take it up tomorrow. So, this. किस मुद्दे पर? सर, वर्मा जी, आप मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? हाँ, जरूर. हाँ, यही. नहीं, उनका पहला जो बहुत रुचिकर प्रश्न था, मैंने इसीलिए उनसे पहले कहा था कि वो बात करें, क्योंकि उनके बड़े खूबसूरत और एस्थेटिकली ब्यूटीफुल क्वेश्चंस होते हैं. एस्थेटिकली दे आर वंडरफुल क्वेश्चंस. तो उन्होंने कॉजेलिटी के बारे में पूछा था कि व्हाई डिड यू गो फॉर इट. और नहीं, ये बहुत अच्छा ही और गहरा ही ये प्रश्न है. तो देखा जाए तो उनके बहुत सारे सवाल जो रिकॉर्ड में तो आ गए हैं. सो शुड आई रिस्पॉन्ड? जी.
Should I respond? Very, yes, very, very briefly, because we have to take up such questions later on, tomorrow. But, I want you to respond to this. This. Yes, 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 sir. Yes, sir. टाइटल जो आपने मेरे टॉक का रखा है और मुझे वो पसंद भी है, इट इज फिसिस्ट क्रीक क्रिटिक। जो मीमांसा है वो भौतिक विज्ञान के से आधार पर है। तो यहाँ पर एक चीज मैं दावे के साथ क्लेम कर सकता हूँ कि फिजिक्स में स्टार्टिंग फ्रॉम माइक्रोकॉसम टू मैक्रोकॉसम यूनिवर्स और अणु तक जो भी आप कहें या क्वार्क्स लेवल तक कनेक्टेड ना हो, एक तो ये मेरा बेस रहेगा क्योंकि मेरे को भौतिक शास्त्रीय मीमांसा के आधार से देखना है। वो बात दूसरी है कि पर्सनली और फॉर मेनी अदर रीजन व्हेन वी गो डीपर इनटू संस्कृत टेक्स्ट एट सम स्टेज, और इट इज थोड़ा रिस्की है ये वाली स्टेटमेंट देनी, कि हम शायद कॉजालिटी के डोमेन से बाहर आ सकते हैं, वो एक अलग बात है। और इन बिटवीन कुछ और भी है जो मैं कहना चाहूंगा। वन, पहली मेरी स्टेटमेंट है क्योंकि फिजिक्स में हमें कोई ऐसा फिनोमेना नहीं लिखता जो कि कॉजालिटी के कॉज एंड इफेक्ट फिजिक्स में न्यूटन्स लॉ और क्वांटम फिजिक्स में मेनली श्रोडिंगर इक्वेशन इस रिलेशन को बताती है, और हम सब सारी घटनाएं उन्हीं के साथ कनेक्टेड है। वो आधार है जो कि आज भी काफी हद तक हमारे सामने भी रहेगा। लेकिन दो एक बीच में मैंने चीज कही है, शायद ध्यान भी दिया होगा, कि जो बहुत सारी चीजें हम ऑब्जेक्टिव जिनको कह रहे हैं, क्या वो ऑब्जेक्टिव है भी? अब जैसे रंग ले लो, यदि देखने वाला चला जाता है तो क्या रंग वहां है? नहीं है, क्योंकि फिजिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से रंग नहीं होता है। तो रंग की कॉजालिटी को क्या करोगे? कहीं ना कहीं माइंड को आपको लेके आना पड़ेगा, कॉन्शियसनेस को लेके आना पड़ेगा। शायद कॉन्शियसनेस मन से भी ज्यादा डीपर एक कंसेप्ट को रिवील कर रही है, जो कि यानी रियलाइजेबल है। तो एक तो ये बात, दूसरा इससे पहले मैं स्पिरिचुअल डायमेंशन में जाऊं, मैं एक कॉजालिटी के पैरेलल एक और प्रिंसिपल खड़ा कर सकता हूँ, जो पॉली ने खुद, जो कि पॉली क्वांटम फिजिसिस्ट हुए हैं और कार्ल गुस्ताव जंग के साथ डेवलप किया। वो साइकोलॉजी के प्लेन पर, मेंटल के प्लेन पे उन्होंने एक चीज डिस्कवर की जिसका नाम भी है लिखा उन्होंने और बुक भी लिखी है उसके ऊपर, प्रिंसिपल ऑफ सिंक्रोनिसिटी। वो कहते हैं कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि जो दो इवेंट कॉजली भी ना कनेक्टेड हो, देयर इज अ संभावना है इस बात की कि वो सिंक्रोनस है, एक ही समय पर हो रही है, तो उनके बीच में एक नया लिंक भी हो सकता है। तो उस मामले में सिंक्रोनिसिटी को यदि हम साइकोलॉजिकल प्लेन पे एक्सेप्ट करें, और दैट बुक इज वर्थ रीडिंग, इट्स क्वाइट इन बिकॉज़ पॉली हिमसेल्फ इज देयर इन इट। तो वो कॉम्प्लीमेंटरी व्यू पॉइंट है कॉजालिटी का। बट मैं शायद उससे भी आगे जाना चाहूंगा कि बॉडी यानी मैटर, साइकी दैट इज माइंड, और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी है। जब हम हायर डायमेंशन ऑफ बींग में जाएंगे, अपने विज्ञान में कोश में जाएंगे या आनंद में कोश में जाने लगेंगे, शायद कॉजालिटी का हमारे ऊपर अधिकार नहीं रहता, और अपेरेंटली जो चीजें हम फिजिक्स के प्लेन पे कहेंगे कभी नहीं घट सकती, वो घट सकती हैं, घटाई जा सकती हैं। और कम से कम भारतीय परंपरा में यदि हम उनके ऊपर संदेह करना चाहें तो करें, लेकिन ऐसे बहुत सारे योगी और ऋषि हो चुके हैं जिन्होंने ऐसे घटनाओं को होते हुए दिखाया है जो शायद किसी कॉजालिटी से बाहर है। मैं यहाँ नाम पर्टिकुलरली लेना चाह रहा हूँ स्वामी विशुद्धानंद जी का, जो परम आदरणीय गोपीनाथ कविराज जी, जो कि तंत्र के न केवल स्कॉलर थे, साधक थे और वो सिद्ध भी थे, उनके गुरुदेव विशुद्धानंद जी की जो घटनाएं हैं वो कम से कम फिजिक्स वाले तो एक्सेप्ट करने वाले नहीं हैं। तो बियॉन्ड कॉजालिटी की संभावना है, बट मेरी टॉक क्योंकि भौतिक शास्त्रीय मीमांसा के आधार पर है तो फोकस मैंने यहाँ दिया है, और इस बात का आनंद भी है कि कणाद ने बहुत गहराई में इन इश्यूज को छुआ है। अभी मैं इतना कहना चाह रहा हूँ। जी, मुझे लगता है कि कल इस विषय पे कल जो करें। जी जी करेंगे डॉक्टर साहब, एक सेकंड। जी हाँ बिल्कुल, इस कॉजलिटी पे कार्य कारण की अवधारणा पे हम कल चर्चा भी विस्तार पूर्वक भी करेंगे। और एक जो मेरे मन में बात आई अभी बात सुनते सुनते, हालांकि पहले थी, मिस कर गया मैं,
कि इसको तीन एंगल से देखना शायद जरूरी है कि एक जिसे हम कहते हैं कर्ता भोक्ता और ज्ञाता, जब आप कर्ता के एंगल से इस कार्यकारण को और मैटर को देख रहे होते हैं तब कुछ और बात होती है, आपका परसेप्शन बदल जाती है, और जब आप उसको इंजॉय और भोक्ता के रूप में देखते हैं देन इट इज समथिंग डिफरेंट, और जब आप ज्ञाता के रूप में देखते हैं तो मुझे लगता है कि वहां दो स्टेजेस होती हैं, एक लेवल जो रहता है वो आवाज कट रही है रहता है, लेकिन कर्ता के स्तर पे शायद वो समझे कश्मीर शैविज्म जो है और वेदांत में काफी हेल्पफुल हो सकता है जब उसके चिदणों और उधर जो शिव का जो विमर्श है, विमर्श शब्द शायद यहाँ पे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, वो हमें काफी हेल्पफुल हो सकता है, लेकिन उस विषय पे कल हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे इस कॉजलिटी के इशू पे। अभी तो हम पदार्थ जो देख रहे हैं, लेकिन और जो किसी के कोई प्रश्न, खास तौर पे हम ये संस्कृत शास्त्रीय आधार पर देख रहे हैं अभी शास्त्र का, अनम्यूट कर लीजिए तो जी, आप अपने को अनम्यूट कर लें जी। नमस्कार सर, सभी को नमस्कार, कर्सर को नीचे करके वो माइक पे क्लिक कर दीजिए, नहीं तो तब तक मधुसूदन जी। जी सर, जैसे कि सर रमेश, गो अहेड, आवाज आ रही सर? आवाज नहीं आ रही रवि जी आपकी। हाँ मैं तो सुन पा रहा हूँ अपना, रवि की आवाज सुन पा रहा हूँ। जी जी ठीक है। हाँ सर, रमेश सर से मेरा सर क्वेश्चन है, और मैं बताना भी चाह रहा था, खैर उन्होंने पहले ही बता दिया उनके बारे में, गोपीनाथ कविराज जी के बारे में और उनके शिष्य जो गंध बाबा के नाम से प्रख्यात हुए, खैर वो तो खुद वो एक रिसर्च स्कॉलर थे जो ज्ञानगंज के थे, उन्होंने इस कई वो तो सिद्धांत के बारे में उन्होंने बताया कि ऐसा ऐसा ये चीज है। उसके अलावा भी उन्होंने ये भी बताया था सर कि मैंने तो केवल एक ही कुछ ही अंश को मैंने सीखा है, और उसके अलावा उस चंद्र विज्ञान भी है जो चंद्र रश्मि पे आधारित है, मैं तो सूर्य विज्ञान का बस केवल एक कुछ ही अंश को मैं सीख पाया हूं। कि अब क्या था, कहा जा सकता है कि सर इसमें भी जैसे ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी में मैंने पढ़ा है और सुना भी है, क्योंकि एक बार में कोई भी पुस्तक समझ में आती नहीं है, मैंने कई बार उसको पढ़ा है और सुना भी है, तो उसमें सर मुझे ज्ञात हुआ कि जो भोला नाम का, भोला नहीं, ये गंध बाबा जो थे उनके पूर्व जन्म की भी कुछ घटनाएं थी, या कहा जा सकता है कि कुछ संस्कार को अभी के समय में वो केवल आचार को न देखा जाए, संस्कार अर्थात कहें तो कर्म, क्योंकि अभी के समय में संस्कार को केवल आचार को ही संस्कार के शब्द के ये अर्थ के रूप आरूढ़ हो चुका है, ये वो पूर्व जन्म के संस्कार ही थे जो उन्होंने, या बाकी जैसे कि हमने पहले भी पढ़ चुके हैं, मतलब जब आया ऑटोबायोग्राफी ऑफ योगी जब पढ़ते हैं तो उसमें बहुत कुछ जो है सर रहस्यात्मक रूप से बताई गई है सर, और आप तो इसे बहुत अच्छे से समझा पाएंगे यदि तीन चार बार या अधिक बार पढ़ें तो, और मैं आशा करूंगा कि सर इसके बाद भी कई और मीटिंग्स आपके साथ भी हूं कि सर क्वेश्चन आंसर होता रहे, क्योंकि बिना तर्क बिना डिबेट के सर क्वेश्चन और आंसर के बिना सर किसी भी चीज को हल नहीं किया जा सकता,
और मैं सर संस्कृत का छात्र हूँ, तो बिना क्वेश्चन और आंसर किए हुए, बिना प्रश्नोत्तर के जो जिज्ञासा है वो समाप्त नहीं हो पाती है। स्वागत है आपका। और सर उनकी उनके जो गुरु है और उनके जो पुस्तक है केवल उन पे भी थोड़ा प्रकाश डालने का सर मेरा एक रिक्वेस्ट रहेगा कि आप, क्योंकि सर भौतिक विज्ञान से जुड़े हुए हैं और वो और खुद वैज्ञानिक भी हैं, तो उनमें सर आपको आपका जो देखने का दृष्टिकोण है सर वो बहुत अलग होगा, विशिष्ट होगा, विशिष्ट और उत्कृष्ट ये दोनों होंगे आपका, क्योंकि आपने उस चीज को कई वर्षों तक इस चीज को फील किया, मतलब पढ़ाया है, आपने उस चीज को पढ़ाया है। और हो सकता तो, मैं तो सर उस चीज को नहीं समझ पाऊंगा, क्योंकि उतने नहीं अभी तो नहीं समझ पाऊंगा, अब कुछ काल के अंतराल के बाद हो सकता है, अथवा मेरे पूर्व जन्म के जो संस्कार हुए जब मिलेंगे तब ही हो पाएंगे सर। ओके, जैसा मैंने कहा है एक मैंने मॉडल ड्रॉ किया है ऑन द बेसिस ऑफ उपनिषद, वो फिर बाद में कभी डिस्कस कर लेंगे यदि अंगिरस जी मुझे थोड़ा मौका देंगे, इस बात का अवसर प्रदान करेंगे। जी सर, मौका ही मौका है। जी पवन जी, आप प्लीज अपने को जल्दी से अनम्यूट करें। जी नमस्कार वर्मा जी, अंगिरस जी के नमस्कार। दो छोटे छोटे से प्रश्न हैं। एक तो ये कि जब क्रिएशन की बात होती है तो नाद की भी बात होती है, साउंड एनर्जी की, जिसको बिग बैंग के साथ कंपेयर भी किया जाता है। एक मैं थोड़ा सा इस पे आपसे प्रकाश जानना चाहूँगा, क्योंकि ये तो जितना मुझे थोड़ा बहुत फिजिक्स का ज्ञान है कि एनर्जी कैन बी ट्रांसफॉर्म्ड, इट कैन नॉट बी डिस्ट्रॉयड, तो उस प्रिंसिपल के हिसाब से अगर मतलब कि वो एनर्जी जो नाद है जिससे कि पूरा का पूरी सृष्टि हुई, क्रिएशन हुआ, तो उसके रेमिफिकेशंस उसके बाद में जो हुए उसके पीछे क्या प्रोसेस रहा होगा भारतीय दर्शन के अनुसार, किस किस्म के रेमिफिकेशन, कि वन एनर्जी देन इट हैज जस्ट गॉट अ फॉर्म एंड इट हैज टर्न्ड इनटू द वेरियस काइंड ऑफ थिंग्स यू नो। सेकेंडली, क्योंकि उसमें फिर जो आता है कि लिविंग एंड नॉन लिविंग सत्र असत दोनों हो जाता है, तो लिविंग जो है तो जैसे कि प्रोटोप्लाज्मिक स्ट्रक्चर है, कैसे वो बाद में जो है इतना सेल्फ इंटेलिजेंट हुआ कि ह्यूमन बीइंग के रूप में भी आ गया, तो ये पूरा प्रोसेस क्या है क्रिएशन का, ये बहुत मेरे दिमाग के अंदर काफ़ी टाइम से चल रहा है। और दूसरा मैं जानना चाह रहा हूँ कि जब कहा जाता है कि जैसे कि नास्तीय सूत्र में सूक्ष्म में कहा गया कि कुछ भी नहीं था, तो वो कुछ भी नहीं को जो शून्य कहा गया, शून्य क्या था? श्योर, या तो मुझे कुछ रिस्पांस करना है, रिस्पांस देना है जी। हाँ मैं जानना चाह रहा हूँ, ये जो पहला इशू है वो मेरे लिए शायद थोड़ा स्टेप फॉरवर्ड भी है, एनर्जी कंजर्वेशन। तो एक तो जैसे मैंने थोड़ा सा बीच में छुआ भी था, खास तौर पे जब हम सांख्य योग में जाते हैं तो वहाँ सांख्य में डायरेक्ट शक्ति का शब्द नहीं है यदि मैं ठीक हूँ तो, लेकिन जो व्यास उनकी व्याख्या है योग शास्त्र पे उसमें ये शब्द आता है शक्ति का। और नो डाउट जब हम तंत्रों में जाएंगे वहां तो शक्ति की प्रधानता दिख ही रही है, वो तो एक अलग बात है, बट मैं फिजिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से कह रहा हूँ यहाँ पर, क्योंकि मेरा आधार टाटका वही रहा है भौतिक शास्त्रीय मीमांसा, कि फिजिक्स में हम अभी तक ये मानते हैं कि कुछ कंजर्वेशन लॉ ऐसे हैं जो कभी भी वायलेट नहीं हो सकते। मैं इस पर लगाऊंगा क्वेश्चन मार्क। एक तो है एनर्जी, दूसरा मोमेंटम है यानी मास इनटू उसकी स्पीड है, तीसरा एंगुलर मोमेंटम है, और फाइनली सबसे सबसे इम्पोर्टेंट है इलेक्ट्रिक चार्ज। ये चार बहुत ऐसे प्रिंसिपल हैं, और भी कंजर्वेशन लॉज हैं जो सारे फिनोमेनों को डिक्टेट करते हैं, जैसे अभी रेत की बात हुई थी तो ये उस कैटेगरी में है। मगर ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है जो बड़ा थोड़ा खतरनाक भी है, कम से कम मैं फिजिक्स स्टूडेंट्स को और मित्रों को एक गलत इम्प्रेशन नहीं देना चाहूँगा। वन, आज की डेट में कोई भी ऑब्जर्वेशन ऐसी नहीं है जो इन कंजर्वेशन लॉज को चैलेंज करे, नो डाउट, क्योंकि भौतिक विज्ञान की खूबी है कि हम एम्पिरिकल हैं, तो हमें एक्सपेरिमेंटल आधार ज़्यादा चाहिए बजाय थ्योरी के। थ्योरी तो क्लेम करते करते हैं, लेकिन एक्सपेरिमेंट वाले चेक करते रहते हैं कि कहीं कोई ऐसी वायलेशन मिले, नहीं मिली है सो फार। लेकिन
जो खतरनाक इशू है वो ये है कि हाउ फार हाउ बैक इन टाइम एंड हाउ लॉन्ग ये जो लॉज एप्लीकेबल हैं, तो वो लिमिट एक टिपिकल शब्द है जो आप ढूंढ भी सकते हो, क्वांटम जो प्लैंक लेंथ एंड प्लैंक टाइम। प्लैंक टाइम की वैल्यू है यदि हम इसको उसमें गिनती में रखें एक के नीचे एक लिख करके 43 जीरोस यानी 10^-43 सेकेंड तक हम बैक इन टाइम जा सकते हैं। ये फिजिक्स बोलती है कि जितने हमारी अंडरस्टैंडिंग है हमने रेंज ऑफ एप्लीकेशन ऑफ लॉज को एनलार्ज किया है। तो हम जैसे न्यूक्लियर फिजिक्स है फ्यू मिनट्स के बाद शुरू होती है, पार्टिकल फिजिक्स फ्यू सेकेंड्स के बाद शुरू होती है, लेकिन फिर भी हम खींच के क्वांटम डोमेन को 10^-43 सेकेंड। अब जीरो क्या है? जीरो है 10^-1। करूंगा सर इस कॉन्सेप्ट को समझने के लिए कि जो स्प्लिट स्क्रीन वाला है उसके अंदर ये आप ये कह रहे हैं कि 40 सेकंड मतलब 0.40 सेकंड तक जो है हम उसको पार्टिकल फॉर्म में वापस देख सकते हैं। नहीं मैं वही आना चाह रहा हूँ कि यदि मैं यूनिवर्स की जो एवोल्यूशन है जो इसकी ग्रोथ है उसको बैक इन टाइम स्कैन करो, मैं टाइम में बैक जा रहा हूँ। ओके तो मतलब आप जस्ट आफ्टर बिग बैंग की बात कर रहा हूं मैं, यदि हम थोड़ी देर के लिए बिग बैंग को माने वहां पर भी क्वेश्चन है वो अलग बात है। तो बिग बैंग के बाद तीन मिनट के बाद हम लोग बहुत बहुत कंफर्टेबल हैं। इवन जो पार्टिकल फिजिक्स मेरा अपना एरिया है वो फ्यू सेकंड्स के बाद बहुत कंफर्टेबल है, लेकिन जैसे मैंने अभी बोला है कि वेरी स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ टाइम 10^-43 सेकंड जिसको हम प्लैंक टाइम बोलते हैं उसके और जीरो के बीच में भी बहुत लंबा अंतराल है जो हमें नहीं महसूस होगा, हम तो कहेंगे छोटा सा टाइम है, बट जीरो और उसके बीच में, क्योंकि जीरो को लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे 10^-∞, तो -∞ और -43 में तो बहुत सारे नंबर हैं, तो मतलब बहुत कुछ घट सकता है। तो एक मेरे कॉस्मोलॉजिस्ट फ्रेंड थे उनसे मैंने डिस्कस किया, मैंने कहा वहां पर पहुंच करके स्पेस टाइम फैब्रिक टूट जाता है, क्योंकि ये जो एनर्जी कंजर्वेशन लॉ है ये डिमांड करता है कि टाइम मस्ट बी कंटिन्यूअस, और प्लैंक टाइम तो मैं कहता है कि नहीं टाइम कंटिन्यूअस नहीं है, टाइम तो क्वांटा है, तो वो उसका क्वांटा की वैल्यू 10^-43 सेकंड आती है, तो टाइम इज फ्लोइंग इन दैट वे। बाय द वे जैनो ने इस बात की है, वो कालानो के जिक्र बात करते हैं, उन्होंने क्वांटा ऑफ टाइम की बात की है, तो पॉसिबल है कि टाइम की जो कंटिन्यूटी है वो ट्रू ना हो। यदि टाइम में गैप्स हैं और स्पेस में भी गैप है, जैसे स्पेस कैन बी समथिंग लाइक स्पंज लाइक, जैसे स्पंज कंटिन्यूटी है बट बीच में गैप्स है, तो उस स्केल पे जाके उतने बैक इन टाइम में जाकर के स्पेस टाइम के कंटिन्यूम अपना मीनिंग खो देती है। तो उन जो फ्रेंड मेरे थे एक्सपर्ट कैनेडियन थे फेसिस, उनसे मैंने पूछा, मैंने कहा जी आपको क्या लगता है कि यदि यहाँ स्पेस टाइम का फैब्रिक ही टूट गया तो कंजर्वेशन लॉ तो ही टूट जाएंगे? तो ही वॉज क्वाइट, ही सेड आपके बाद में दम है मगर आज के डेट में हम कुछ भी नहीं बोल सकते, यानी जो कुछ भी आप बोल सकते हो उसके सही होने की संभावना है। तो मैं फिर वार्निंग दे रहा हूँ कि मैं फिजिक्स फ्रेंड्स को और संस्कृत फ्रेंड्स को ये अभी तक कोई नहीं कहूंगा कि एनर्जी कंजर्वेशन इज वायलेटेड, नो सो फार कोई एक एक्सपेरिमेंटल घटना नहीं है, ऑब्जर्व ऐसी घटना नहीं है जो इसको तोड़ता हो, तो ये डिक्टेटिंग प्रिंसिपल है। मगर इन द बिगनिंग जब बिग बैंग शुरू हुआ है या नया स्पोर्ट हुआ है, जैसे अभी नाद की बात की गई थी, जो वो स्पोर्ट हुआ है उसके बाद इमीडिएट बाद यू नेवर नो कि कंजर्वेशन लॉ एनर्जी के वैलिड है या नहीं, बट वो बहुत ही ब्रीफ एक्सट्रीमली ब्रीफ इंटरवल है। तो ये खतरा है मेरे बात को ये नहीं समझने में, कुछ लोग क्लेम ना कर लें गलती से भी कि एनर्जी कंजर्वेशन लॉ सो फार इज एब्सोल्यूट फॉर अस, हाउएवर बिगिनिंग ऑफ यूनिवर्स में बहुत कुछ ऐसा घट सकता है जो हमारी समझ से बाहर है। तो फिर ये जो उपनिषद में भी बात हुई कि एज यू विश सो इज योर विल एंड एज योर विल सो यू थिंक एंड व्हाट यू थिंक दैट इज योर एक्शन एंड एक्शन बिकम्स योर व्हाट यू गेट, द कर्मा थ्योरी आल्सो। बुद्धा ने भी बोला कि योर थॉट इज व्हाट यू आर। तो अब थॉट जो है आप देखिए एक तरह से इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। इफ इट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव इट इज अ वाइब्रेशन, इट मीन्स दैट इफ एनर्जी कैन, बिकॉज वी आर सेइंग दैट एनर्जी का ही मास जो है एक तरीके से एक उसका एक हिस्सा है, उसका फॉर्म है, तो इट मीन्स दैट रूप है। So do you think that what a man
ही कैन कन्वर्ट, वही बात आ जाती है क्योंकि साइंस ने 1900 से पहले कोशिश की एक ऑब्जेक्टिव सिस्टम ऑफ नॉलेज डेवलप करने की, जहां ऑब्जर्वर को, कॉन्शियस ऑब्जर्वर को वो मैटर जो कि ऑब्जेक्टिव मैटर है और यानी अनकॉन्शियस है उससे सेपरेट रखने की, तभी वो प्रोग्रेस भी कर पाई। मगर साइंस ने खुद ही 1900 के आसपास ऐसी ऐसी ऑब्जर्वेशन की जिनको समझने के लिए क्वांटम फील्ड थ्योरी, हमें क्वांटम थ्योरीज बनानी पड़ी। और क्वांटम थ्योरीज के बनने के बाद हमारा व्यू पॉइंट बदला। ये मैं लास्ट में जाके छूंगा कि क्वांटम मैकेनिक्स, ये जो ग्रेट पीपल हैं जिनका नाम अभी लिया गया था शुरू में, हाइजनबर्ग हैं और बोहर है, श्रोडिंगर है, प्लैंक हैं और सबसे फाइनली बिगिनर है, जिन्होंने ओपनली एडमिट करना शुरू किया है कि क्वांटम मैकेनिक्स इम्प्लाइज कॉन्शियसनेस। अनफॉर्चुनेटली हम कॉन्शियसनेस को विद इन द डोमेन ऑफ फिजिक्स ला नहीं सकते आज के डेट में कम से कम, बट यदि वो इम्प्लाई कर रही है तो बिना कॉन्शियसनेस के तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। और जॉइंट कॉन्शियसनेस आने लगेगी, हमारे बहुत सारी लिमिटेशन जो फिजिकल प्लेन पे हैं शायद हम उससे बाहर निकल जाएंगे। सारा खेल स्पेस टाइम का है। जी जी। एक और डॉक्टर साहब जो बात है कि मैं जो है आई एम वर्किंग ऑन अ सीरीज ऑफ डॉक्यूमेंट्रीज, मैं थोड़ा सा बता दूं अपने बारे में बैकग्राउंड। I am into film and television industry since last 35 years, and I have done say more than 7,000 episodes of different shows. Now I am working on a documentary which is on creation, and creation from Indian point of view. तो मैं उसके बीच में शायद आपकी मदद आगे भी चाहूँगा, तो मैं उसकी मैंने नंबर भी ले लिया है, तो I may just be in contact with you. Sure, because it is a coincidence or destiny kind of a thing that I am here and I am listening you, and the topic was the same on which I was juggling since last many months. And so kind of you and so nice of you for just, you can say, enlightening us with this, such a beautiful subject and such a beautiful vast knowledge which you have got, and really lot of thanks. आवाज रुक गई है। रवि परिचय आप तो खैर आवाज रुक गई है। हेलो अब आ रही है सर। बीच बीच में कट जाते हैं मेरे यहाँ। चलिए एनीवे, तो मैं ये कह रहा था डॉक्टर साहब कि भी आपके पास तो आज दो दो यहाँ व्यक्ति आपके साथ हैं, प्रोफेसर रवि जी हैं और रमेश जी हैं, दोनों के सहायता आप ले सकते हैं। रवि जी से आप पहले परिचित हैं और रमेश जी से भी आज आपका परिचय हो गया है, और आपने देखा कि कितने सुलझे तरीके से वो अपनी बात हम सभी तक ला पाए। और मुझे रवि जी का भी नंबर दे दीजिएगा। हाँ जी, मैं शेयर कर देता हूँ। सबसे खूबसूरत बात है कि जिस बात के लिए मैं शुरू में मैंने ये पॉइंट आउट किया था कि इंटेलेक्चुअल फिजिस्ट और इंटेलिजेंट फिजिस्ट, हमें जरूरत इंटेलिजेंट फिजिस्ट की है जो रिस्पॉन्ड कर सकता है, जो समझ सकता है, जो समझा सकता है। और आज की ये सारी परिचर्चा बड़ी सफल इस अर्थ में रही है कि आज एक फिजिस्ट ने अपनी बात को कितने सहज रूप में हम सभी के साथ साझा किया। उनको कहीं कोई संकोच नहीं था संस्कृत वालों से बात करने में और कहीं फिजिक्स वालों को बात करने में, लेकिन आम तौर पे संस्कृत वाले संकोच कर जाते हैं और फिजिक्स वाले अपनी एरोगेंस में मारे जाते हैं। तो आज दोनों एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, तो मुझे लगता है कि बड़ी ज्ञान तो व्यक्ति को नम्र बनाते हैं, ज्ञान से तो नम्रता आनी चाहिए। जी जी आनी चाहिए। मेरे अपने के चलिए वो तो खैर है ही है, अपेक्षा सबसे यही होती है। तो मैंने भी फेस किया ऐसी कोई बात नहीं। हाँ, तो हम सभी करते हैं। हाँ, हम सभी करते हैं कि ओवरडोजिंग ऑफ इंटेलेक्चुअलिज्म जो है ना, इसने सबको डब्बा बंद कर दिया है। हाँ बिल्कुल। तो धन्यवाद के लिए डॉक्टर विनय जी हैं हमारे साथ। आप बहुत संक्षेप में करें जो आपको अच्छा लगा, जो महसूस हुआ, आप चिंता ना करें, ठीक है। फिजिक्स के होते हुए भी लॉ, जो फिजिक्स के लॉज हैं वो बड़े परफेक्ट हैं, लेकिन हम ह्यूमन बीइंग्स वी आर इम्परफेक्ट, ठीक है ना, वी हैव लिमिटेशंस।
तो इसलिए आप चिंता ना करें, जो आपको महसूस हुआ आप धन्यवाद करें। चित्तरंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हमारे साथ पहले बीच में दो तीन और बड़े अच्छे लोग जुड़े थे, बीच में चले गए, प्रोफेसर राजेंद्र शर्मा जो डिपार्टमेंट ऑफ फिलोसफी जयपुर से थे, और उनसे मैं ये सवाल करना चाह रहा था, दो सवाल, और आपसे भी डॉक्टर रमेश जी हो सकेगा तो कल हम लेंगे। एक तो ये कि इस सारे विषय में श्री यंत्र जो है वो हमें फिजिक्स के प्रिंसिपल्स को समझने में कहाँ तक हेल्पफुल हो सकता है, क्योंकि वो टोटल यूनिवर्स का एक तरह से सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है 54 ट्रायंगल्स के माध्यम से, और वो बाकी सारे जो है आपने शायद देखा ही होगा, क्योंकि जितने आपके पास ज्ञान है वो निश्चित रूप से आपको पता। और रवि जी से भी मैं चाहूंगा कि कल वो जब इस विषय पे हम चर्चा करें तो वो जरूर इसके ऊपर टिप्पणी करें। दूसरा, नाद और बिंदु, ये दो कॉन्सेप्ट है कि नाद जब घनीभूत होता है तो वो बिंदु में परिवर्तित हो जाता है और आपकी फिजिक्स बिंदु से शुरू हो जाती है। तो जो हम टाइम कॉन्सेप्ट और स्पेस की बात कर रहे थे वो कैसे ट्रांसफॉर्म होता है नाद से बिंदु में, क्योंकि बिंदु ही फिर आगे जो है वो लाइन और स्पेस और ये सारी चीजें हैं जो हम पिछली बार बात कर रहे थे, और अभी इसको कंटिन्यू भी करेंगे जब आगे की बातें करेंगे। तो ये दो कॉन्सेप्ट भी कल हम आप अगर चर्चा में लेंगे तो बहुत अच्छा रहेगा। तो हमारे जी 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 इसको कंटिन्यू करेंगे। हमारे साथ डॉक्टर नरेंद्र दत्त तिवारी जी भी जुड़े हुए हैं और भी बहुत सारे लोग हैं, सभी के नाम लेने से पहले मैं निवेदन करूंगा, डॉक्टर विनय सिंगल जी, ये आपके उद्यम से संभव हो पाया है, नहीं तो किसी और के बस का नहीं था, तो सबका धन्यवाद ज्ञापन आप करें संक्षेप में। जी सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं इस विषय से बच रही थी, जो आधुनिक वैज्ञानिक प्राचीन भारतीय ज्ञान परंपरा, इन दोनों को एक आपने एक पटल पर एक पृष्ठभूमि पर लाकर खड़ा कर दिया है, और आप डॉक्टर आशुतोष के लिए मैं विशेष रूप से कहूंगी कि भारतीय ज्ञान परंपरा के पृष्ठों को खोलने के लिए बहुत एक्साइट रहते हैं, और इन्होंने सब तरह के वैज्ञानिकों को, मैं इनके साथ कई सालों से जुड़ी हुई हूँ, और इन्होंने हर तरह के वैज्ञानिकों, चाहे वो ज्योग्राफी का हो, मैथमेटिशियन हो, आर्कियोलॉजिस्ट हो, फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, मतलब जियोलॉजी, बॉटनी, पर्यावरण, हर विषय को पकड़ करके और भारतीय ज्ञान परंपरा के पृष्ठों को बहुत बहुत खोलने के लिए और बहुत मेहनत की है। और इस विषय को जब हम खोलते हैं तो हर भारतीय का शायद हृदय गर्व से भर जाता है कि हमारे पास इतनी गहन ज्ञान की सूत्र हमारे पास हमारे दर्शनों में पड़े हैं। और आज डॉक्टर रमेश चंद्र जी का मैं व्याख्यान सुन रही थी, हालांकि छोटे छोटे से मेरे प्रश्न थे कि जब हम वैशेषिक दर्शन पढ़ते हैं तो हम पढ़ा करते थे कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, इन चारों के जो एटम्स हैं, परमाणु हैं, वो आकाश तत्व में विद्यमान रहते हैं बहुत छोटे छोटे अवस्था में, और इस अवस्था में जो प्रत्येक जीवात्मा है वो अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के साथ, संस्कारों के साथ, अदृष्ट रूप में धर्म और अधर्म के साथ विद्यमान रहती है, और उस समय में सृष्टि नहीं होती, और ये कारण रूप में पड़े हुए जो जीव हैं वो ये प्रतीक्षा करते हैं कि कब सृष्टि होगी, तब उनके अदृष्ट कार्य, जो अदृष्ट कर्म हैं, वो कर्मों के रूप में संस्कृत होंगे। जैसा कि अभी पवन जी पूछ रहे थे कि ये कैसे उस पूर्व जन्मों के, ये गंध बाबा की जो बात कर रहे थे, या जो इस तरह के योगानंद जी की हम इस पे बात कर रहे थे, बड़ा सुंदर लगा और बहुत सारी दर्शनों को खोला गया कि ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या, जो इस पीले रंग है या नहीं है, ये माइंड की हमारी परिस्थिति है, रित और सत्य का वर्णन किया गया, नासदीय सूक्त है, सगुण निर्गुण शक्ति का वर्णन किया गया, और वेदांत का जो रिक्रिएशन का सिद्धांत है, बहुत सुंदर, जितनी जितनी मुझे समझ में आई उतना एक अद्भुत ज्ञान से भरा हुआ आज का वक्तव्य था। और इसमें जो डॉक्टर रवि शर्मा जी ने, जो पवन त्रिपाठी जी ने, जो और भी प्रश्न पूछ करके हमारे हम कहेंगे कि बुद्धि की परतों को खोला है, उसमें हम कुछ कुछ कोशिश कर रहे हैं, और इन इस प्लेटफॉर्म पर करके कि हम भारतीय ज्ञान परंपरा और आधुनिक ज्ञान परंपरा को एक साथ जोड़ने का जो प्रयास चल रहा है वो बहुत सुंदर है। इस व्याख्यान के लिए, इस हम कहेंगे कि ज्ञान यज्ञ के लिए मैं डॉक्टर रमेश चंद्र जी का, डॉक्टर आशुतोष जी तो हैं ही हैं जो कर्ता धरता हैं, और रमेश चंद्र जी का, डॉक्टर राजेंद्र शर्मा जी का, डॉक्टर हमारे प्रिंसिपल डॉक्टर एस के गोयल जी का, पवन त्रिपाठी जी का,
डॉक्टर सत्येंद्र दास कौशल जी का, नरेश मित्रा जी का, सीके झा और हमारे पूर्व प्रोफेसर डॉक्टर आर के गुप्ता जो हमेशा इस में विद्यमान रहते हैं, और भी अन्य विद्वत जन बहुत से जुड़े हुए थे, अनीता जी थी, मीनाक्षी शर्मा मैडम थे, आप सभी का जितने भी, और हमारी को कन्वीनर डॉक्टर अनीशा गोयल, इन सभी का मैं आर के स्टेट कॉलेज की ओर से, इस संस्थान की ओर से मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूँ। कल पुनः इस प्लेटफॉर्म पर हम पुनः एकत्रित होंगे और फिर अपने ज्ञान वर्धन करने में सक्षम हो सके, इसके साथ इन शब्दों के साथ में आप सभी का हृदय से धन्यवाद। धन्यवाद डॉक्टर बेना जी, और कल के लिए डॉक्टर चित्रंजन जी धन्यवाद भी करेंगे, और मेरा उनसे एक निवेदन है कि प्रोफेसर रमेश वर्मा जी आपके पास ही कालका में रहते हैं, मैं चाहूँगा कि एकेडमी की ओर से उनको ज़रूर किसी दिन आमंत्रित किया जाए और इन सारे विषयों पर उनको सम्मानित भी किया जाए और जो है वो चर्चा भी रखी जाए। तो ये मेरा हृदय से निवेदन है आपसे, आप इसके लिए प्रयास करें। ऐसे आचार संहिता वाला कार्यक्रम हमारा ये हो जाए, आचार संहिता अभी लगी हुई है, उसके बाद निश्चित रूप से और जब भी संभावना हो आप भी आएंगे। मैं तो आऊंगा ही। जी जी राजेंद्रा जी, आप कुछ कहना चाह रही हैं? उसके बाद हम इस बात को पूरा यहीं पे करेंगे, पूर्ण करेंगे। नमस्कार सर, मैं ये कहना चाहूँ जो निवेदन आपने किया वो मेरी तरफ से भी निवेदन है कौशल जी को, कि आप जगू से मतलब बुलाना ही है सर, आपने ये निवेदन ही सर ये हमारा आग्रह है। और सर एक और रिक्वेस्ट भी आशुतोष जी, इस तरह के जो गहन विषय है ये दो दिन में सर समझ नहीं आएगा, मेरे को तो नहीं आएगा मैं तो इस मामले में बहुत मोटी बुद्धि वाली सर। नहीं नहीं हम इसको व्यापक करेंगे, हम अभी और बहुत सारे विषय हैं। और जी सर ये गोपीनाथ कविराज जी की बात की सर, तो अद्भुत बात इसलिए कि मैं तो सर साक्षात उनके दर्शन भी किए हुए हैं, तो वो बहुत ही मुझे बहुत मतलब जैसे वो रोमांचित हो गए थे सर, ऐसे मैं भी मुझे भी लग रहा था, तो इसलिए मुझे लग रहा है कि थोड़ा मतलब थोड़ा और समय इस विषय को देना चाहिए, कम से कम दो दिन। ठीक ठीक है सर, ठीक है, थैंक यू। सबसे पहली बात तो यह है कि इन विषयों पे हम चर्चा करना सीखें, क्योंकि इन विषयों का विस्तार का भी हमें ज्ञान नहीं है, और इन विषयों को अप्रोच कैसे करनी है, मैं खुद ये सीख रहा हूँ। मैं इसलिए नहीं कर रहा कि भी मुझे कुछ आता है, मैं तो जानने के लिए कि वेबिनार्स करता हूँ इसलिए तो बहुत आवश्यक है कि जितने और आयाम खुल सकें उनको हम देखें, अपने अपनी कंडीशनिंग को हम डी कंडीशन करना सीखें। ये वेबिनार्स बेसिकली इसलिए अति आवश्यक है। ठीक, तो कल पुनः हम 10:30 कार्यक्रम आरंभ कर देंगे और कल व्यापक रूप से चर्चा करेंगे, और मेरी रवि जी से जरूर आग्रह रहेगा कि उस सारे विषय जरूर, क्योंकि मैं उनसे बड़ा प्रभावित हुआ हूँ, वो एस्थेटिकली ब्यूटीफुल, मतलब क्या कहूँ उसको,